गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या कॉपी में लास्ट लिखा हुआ है? कुछ पढ़ने बोले थे आप लोगों को, कुछ कुछ समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? आज एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन कोई भी नाम दे दीजिए, यू गिव एनी नेम, नेमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट इन इंडेस। द पॉइंट इज कि ओसीआई बोलने का मतलब ही यही है कि हम लोग चाहते हैं कि आप उसको पीएनडल में लेके नहीं जाएं, और आप उसको कोई जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस, हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम देते हैं, ओसीआई में जाता है बट वी नेम इट रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो ओसीआई क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ रिजर्व्स जिसको आप पीएनडल से हट के देखते हैं, तो उसमें रिजर्व नाम दिया गया, नो प्रॉब्लम। ये बताइए लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ कॉपी में? अच्छा, डेरिवेटिव्स बोला गया आपको, डेरिवेटिव पहले बोल दिया गया है, ठीक है। आप कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 15। लिखिए अंडरस्टैंडिंग दी फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। देखिए दो दिन से ये वाला वर्ड बार 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 आ रहा है, और मैंने बोला कि थोड़ा सा आप स्टेडी हो जाओ, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ओब्वियसली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर एंटिटी के अपने इक्विटी शेयर से सेटल होने वाला है, अपना इक्विटी शेयर मतलब समझ रहे हो, शेयर कैपिटल, इशूड शेयर जिसको आप बोलते हो, कंपनी का अपना इक्विटी शेयर से अगर सेटल होने वाला है, गॉट इट, तो उसके लिए ये वाले टेस्ट की जरूरत है। अदरवाइज बाकी कोई चीज के लिए इस वाले टेस्ट की जरूरत नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज गोइंग टू बी सेटल्ड थ्रू आवर ओन इक्विटी शेयर्स, we must test this or we must carry out this fixed to fixed test. If this fixed to fixed test is satisfied, we will call it an equity, otherwise it will be a liability. तो सर अभी तक तो हम लोग इक्विटी का डेफिनेशन पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन आप हमको बेसिकली बताइए what is the difference between an equity share एंड अ क्रेडिटर। आप बोलिए इक्विटी शेयर और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है? दोनों से आपने पैसा लिया है। हाँ, वो आउटसाइडर बोलने का वो थोड़ा अच्छा से बोलो, जैसे एक वर्ड हो गया आउटसाइडर लाइबिलिटी, अब इसको थोड़ा इस तरह से बोलो कि लगे कि हाँ एक हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, लेट अस यूज दिस वर्ड, फैंटास्टिक। इन केस ऑफ क्रेडिटर देर इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, एंड दैट इज मिसिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। और कोई बढ़िया बात इस तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइप का, एक तो स्टैंडर्ड बात, क्रेडिटर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द नेट असेट्स ऑफ द एंटिटी। क्या बोला? क्रेडिटर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द नेट असेट्स ऑफ द एंटिटी। अगर सारा असेट बेच के सारा लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाता है लिक्विडेशन के केस में, तो क्रेडिटर्स को क्या वो डिफरेंस वाला नेट असेट का पैसा मिलता है? जल्दी बोलिए, नहीं। जबकि शेयर होल्डर्स आर या इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू दैट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और आपको यह जज करना है कि भाई ये
फिक्स्ड टू फिक्स्ड वाला टेस्ट पास करता है या नहीं करता है। अगर करता है वी विल कॉल इट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर नहीं करता है वी विल कॉल इट ए लायबिलिटी। अच्छा प्लीज स्ट्रिक्टली ना अभी हम लोग लायबिलिटी साइड में रहेंगे, असेट साइड में नहीं रहेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए फाइनेंशियल असेट, वी आर मोर कंसर्न अबाउट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और एन इक्विटी। ठीक है, वैसे व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन इक्विटी? इक्विटी एंटाइटल, इक्विटी इज एंटाइटल्ड टू नेट असेट्स एंड देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। क्लियर है? तो ठीक है, बात करते हैं। मान लीजिए हम लोगों की कंपनी ने, रेडी, हम लोगों की कंपनी ने किसी से 10 लाख रुपया लिया, 10 लाख रुपया लिया और बोला कि आज के 2 साल बाद हम तुमको इतना रुपया का मेरा कंपनी का इक्विटी शेयर दे देंगे, इतना रुपया का मेरा कंपनी का इक्विटी शेयर दे देंगे और वो इक्विटी शेयर जो हम तुमको देंगे वो उस दिन जो भी मेरा शेयर का फेयर वैल्यू होगा डिवाइड करेंगे, उतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम तेरे को दे देंगे। बस अब आप थोड़ी देर तक जज करो, हम इसको तुमको थोड़ी देर के बाद लिखाएंगे। इज इट पासिंग द फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट? सर व्हाट इज फिक्स्ड टू फिक्स्ड? माने जो आएगा वो भी फिक्स्ड और जो जाएगा वो भी फिक्स्ड, या जो आया वो भी फिक्स्ड जो जाएगा वो भी फिक्स्ड? क्या ऐसा है? जल्दी बोलो सर, क्या ऐसा है? हां जी ऐसा है क्या? लास्ट में जब शेयर इश्यू करेंगे तो क्या होगा? लास्ट में जब शेयर इश्यू करेंगे तो क्या होगा? वेरिएबल, हाँ, डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ सकता है। अगर शेयर का दाम हम लोग का बहुत गिरा हुआ रहा 2 साल बाद तो बहुत ज्यादा शेयर देना पड़ जाएगा और इतना ज्यादा हो सकता है कि हमारा कंट्रोल भी कंपनी पे से लॉस हो जाए। और अगर हमारा शेयर का दाम बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है हम लोगों को बहुत कम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ जाएगा। जानते हो अगर इस तरह का फिक्स्ड टू फिक्स्ड नहीं होता है, नहीं होता है, माइंड माय वर्ड्स, नहीं होता है, देन वी कॉल इट अ लायबिलिटी नॉट एन इक्विटी। लेकिन अगर एक ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास हो जाता है देन वी हैव टू कॉल इट एन इक्विटी। अच्छा अब आप जानते हो बेटा कि व्हेन इट्स ए लायबिलिटी इट विल आइदर बी एन FVTPL और इट विल बी एन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। यस और नो? और अमोर्टाइज कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है, FVTPL का अकाउंटिंग कैसे होता है, आपको पढ़ाए थे कल हम? अरे बोलिए हाँ या ना। लेकिन अगर इक्विटी होता है, इफ इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो फिर आपको बार बार उसका फेयर वैल्यू चेंज का अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है। जैसे कोई कंपनी ने इक्विटी, जैसे रिलायंस ने आज इक्विटी शेयर इशू कर दिया ना इशू, और मान लो 4 करोड़ शेयर इशू कर दिया 1200 रुपया करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम लिख दिया, बोलो हाँ या ना। अब रोज रोज जो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्या रिलायंस अपना इक्विटी के वैल्यू को अकॉर्डिंगली चेंज करता रहता है? जल्दी बोलिए सर, कोई फालतू बात कर रहे हैं आप? क्या बात? इक्विटी में इफ समथिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उसमें कोई चेंज और लिखा नहीं जाता है, वो पड़ा रहता है एज इट इज, इसीलिए तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है उसको। उसको वहां छोड़ दीजिए, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड इट? लिखो। लिखिए इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज देयर विच
विल बी सेटल्ड विच विल बी सेटल्ड बाय द एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर्स ये बहुत जरूरी है एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर्स क्योंकि अगर हमारा ओन इक्विटी शेयर में कोई चीज अगर सेटल नहीं होने वाला है तो उसको हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोल ही नहीं सकते. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माने मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अगर किसी और दूसरे का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड कर रहे हैं दैट विल बी माई फाइनेंशियल असेट. क्लियर? क्या लिखा? दैट विल बी सेटल बाई एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर्स. देन वी मस्ट पुट दैट इंस्ट्रूमेंट then we must put that instrument to this fixed to fixed test. Full stop. If the instrument para change करके लिखना हा fixed to fixed test में डालेंगे. If the instrument passes this test it's an equity instrument. Full stop. If it fails, it's a liability. Oblique asset अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देर के बाद बताऊंगा. आप अभी आप liability और equity में market कीजिएगा. Asset का बात थोड़ा देर के बाद में लेकर के आएंगे. ठीक है? Copy में लिखिए. Let's take नया पैरा बनाइएगा. Number same रखिएगा. Number 15 चल रहा है ना? हाँ लिखो. Say A limited issued CCPS. Full form की कोशिश करो तो ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो. खाली एक ठो सी नहीं बता पा रहे हो. Compulsorily convertible preference shares. क्या लिखा? हां, worth rupees 5 lakhs to be converted into equity shares at the end of 5th year at a price of 120 each. ब्रैकेट में लिखना 10 plus 110. अच्छा, हम जब भी ये सब फिगर देंगे ना 120, उसमें 10 ही फेस वैल्यू मानोगे. 10 plus 110 बस ये एग्जाम्पल है. इसको आपको एनालाइज करना है. अभी ना आप लोग डिविडेंड विडेंड के बारे में मत पूछना. हम खुद ही लाएंगे डिविडेंड की बातें वगैरह वगैरह सब लाएंगे. हाँ, आज की क्लास थोड़ा सा ज्यादा इनग्रॉसिंग रहेगा. थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्लास में. अच्छा, डेरिवेटिव याद है तो? क्या डेरिवेटिव? जिसका वैल्यू
किसी अंडरलाइंग के वैल्यू के चेंज होने से बदलता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम लगता है और जो फ्यूचर डेट में सेटल होता है, उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। बेसिकली डेरिवेटिव की अकाउंटिंग कैसी होती है, भूल गए, FVTPL के जैसी। खाली हेजिंग के लिए अगर आप उसको रखते हो तो अलग कहानी है, अदरवाइज बेसिकली डेरिवेटिव की अकाउंटिंग FVTPL के जैसी होती है। क्लियर? लेकिन यह बात याद रखना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होने वाला है, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे वो नॉन डेरिवेटिव हो, फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट में जरूर डालना। अगर वो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास हो गया, देखो बोलो, तो उसको इक्विटी बोलना है। इवन कोई नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी है, आपने देखा होगा डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव, मैं बार बार दोनों लाइन बोलता था वहां पे, जब भी मैंने लिखाया वो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट, तो डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव दोनों के लिए बोला है मैंने। हाँ चलो देखो और बताओ, पढ़िएगा बाद में, पहले एग्जाम्पल को एनालाइज करो। बोलो क्या लगता है आपको, जो पैसा आया वो फिक्स्ड, जो इंस्ट्रूमेंट देंगे अपना 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 हेलो अपना इक्विटी शेयर जो देंगे वो भी फिक्स्ड, पास किया फिक्स टू फिक्स टेस्ट? बोलो हाँ हाँ। क्या करना है, इक्विटी मानना है, दिस CCPS इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। बैलेंस शीट में जब इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हो ना, तो इसको इक्विटी में लिखना है, लाइबिलिटी में नहीं। लिखो एनालाइज, ऊपर में आंसर क्वेश्चन में लिखो एनालाइज, लिखो दिस इंस्ट्रूमेंट passes the fixed to fixed test, and therefore it is an equity. अच्छा सर यहीं पे अगर मैं बोल देता, रेडी यहीं पे, अच्छा दिस इज एन इक्विटी का मतलब क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू CCPS लिख दिया। अब उस CCPS को बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, माने शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं है क्या, वहां पे दिखाना है, नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी में नहीं, ये इक्विटी है। भले CCPS की जगह हम CCD लिख दें, सर नहीं समझे, CCD का फुल फॉर्म कैफे कॉफी डे नहीं, CCD का फुल फॉर्म कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर्स भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्सटेंस में जाना है, फॉर्म पे नहीं, नाम पे मत जाना, काम देखो क्या, इक्विटी शेयर का नाम डिबेंचर रहेगा मान लो, और सारा इक्विटी या कैरेक्टरिस्टिक का नाम डिबेंचर दे दिए हो, तुमको नेट असेट मिलेगा, तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो इक्विटी के डिविडेंड के बराबर उसको देख के ही दिया जाएगा, तो डिबेंचर तो नाम का ही हो गया ना रे बाबा, है तो वो इक्विटी शेयर ना, सो डोंट गो बाय नेम्स, सब्सटेंस जज करो। अगर आपको लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, लाइबिलिटी बोलो, अगर आपको लगता है ना ना वो तो है ही नहीं, इनको तो नेट असेट पे हक मिलेगा, इक्विटी बोलो, प्रॉब्लम क्या है। Did you understand हम क्या बोले, सो डिबेंचर के नाम से डिबेंचर डिबेंचर नहीं बनेगा, got it? उसकी जात से बनेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक से बनेगा, सो सब्सटेंस पे जाना है। आगे चले, ऐसे कोई जबरदस्ती नाम नहीं देगा रे, डिबेंचर नाम देगा और इक्विटी का ज्ञान रखेगा, वो क्वेश्चन फंसाने के लिए रहेगा, बट बता दिए हम जो बताना था। हाँ मैं पूछ रहा था, जैसे वहां पे जहां पे मैंने बोला ना एट अ प्राइस ऑफ 120 ईच, वहां पे अगर बोलते एट ए फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो क्या हो जाता, हाँ ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास नहीं किया, फेल हो गया, तो क्या करें,
लाइबिलिटी में लिखो खत्म, कहा आपने पैसा लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीसीपीएस लिखे हो ना, तो दैट सीसीपीएस विल बी रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। जल्दी से यस और नो बोलना है आके। अच्छा अब मेरे को यह बताओ, ऊपर वाले केस में रेडी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मैंने तो पैसा लिया है, सीसीपीएस इशू किया है, ठीक है, ये तो नॉन डेरिवेटिव लायबिलिटी है। अगर ये डेरिवेटिव लायबिलिटी भी होता तो भी फिक्स टू फिक्स केस में आपको डालना पड़ता, अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होने वाला है तो। लिखो नीचे में, सेम चीज बोलेंगे, एकदम सेम चीज, खाली देखिए फर्क क्या है। ए कंपनी इश्यूज वॉरंट्स, यू नो वॉरंट्स एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स, आपने सुना है वॉरंट्स ऑप्शंस, ऑप्शन सुना है, कल ही तो सुना रहा था ना मैं ऑप्शंस आप लोगों को। हाँ, ए कंपनी इश्यूज वॉरंट्स वेयर बाय द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव After 4 years, ₹1 lakh equity shares at a price of ₹150 each. बोलिए, बस यही लिखा। वारंट तो ऐसे ही होते हैं ना, वारंट होल्डर कब खुश होगा बताना, वारंट होल्डर कब खुश होगा, हमने आज आपको वारंट इश्यू कर दिया, आप कब खुश होंगे, अगर आपके शेयर का, आपके शेयर का क्या, आपकी कंपनी के शेयर का, आप भी कंपनी के शेयर होल्डर ही तो बनने वाले हैं, अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा आप खुश होंगे, प्राइस नीचे जाएगा आप दुखी होंगे, सारे इक्विटी शेयर होल्डर कैसे होता है, हम सारी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर हैं, शेयर का दाम ऊपर जाता है हम खुश होते हैं, नीचे जाता है हम दुखी होते हैं। टेल मी, फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अगर आपको याद हो तो आप लोग जो वो बनाते थे, क्या नाम, आईपीसीसी में बैलेंस शीट बनाते थे तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, उसके नीचे एक तो आइटम होता था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट, इक्विटी में लिखते थे कि नहीं सर, वहां ऐसे फिक्स टू फिक्स टेस्ट का कोई बात ही नहीं था, वो फिक्स ही था, वो मतलब वो नाम लिखा हुआ था, हम लोग वहीं आंख मूंद के लिख देते थे, लिखिए, अगर वहां पे फिक्स टू वेरिएबल घुस जाएगा ना तो आप इक्विटी में नहीं लिख पाएंगे दैट, हाँ वो दो सूत्र नीचे चला जाएगा, और दो सूत्र नीचे समझ रहे, मैंने इक्विटी से नीचे ही तो लाइबिलिटी होती है, और उसमें बहुत फर्क होता है सर, अगर कोई चीज इक्विटी है वो आपका अपना है, अगर लाइबिलिटी है तो फिर उसको दूसरी निगाह से देखा जाता है कि चुकाना है उस टाइप से। लिखिए, एज द इंस्ट्रूमेंट पासेस, एनालाइज लिख दिया करो हर जगह पे, क्वेश्चन खत्म होने के बाद एनालाइज, एज द इंस्ट्रूमेंट पासेस the fixed to fixed test we will call it an equity, वी विल कॉल इट एन इक्विटी। जानते हैं सर क्या होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छी सी बात है। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये वाले वारंट दिए,
कितने नंबर, नंबर पता ना सम में? 1,00,000। हाँ 1,00,000 वारंट दिए ना अभी, तो वन पे वन ही करेंगे। एक वन और कितना प्राइस में दिए, 150 करके हम आपसे 150,000, 1,00,000 दिए ना हम आपसे 150,00,000 रुपया अभी ले लेंगे, ठीक है? सुन लीजिए प्रैक्टिकली कैसे होता है, हम आपसे 150,00,000 रुपया अभी ले लेंगे और आपको 5 साल तक सूता भी नहीं देंगे। हो सकता है डिविडेंड का कूपन का हक रहे आप लोगों को, माने जनरली क्या होता है कुछ लोग डिविडेंड का कूपन दे देता है, तो हो सकता है डिविडेंड का आपको हक रहे, मान लो हम आपको डिविडेंड भी नहीं देंगे, लेकिन 5 साल के बाद अगर शेयर का दाम 150 से नीचे रहा तो आपके पास ये हक रहेगा, आप रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप रिजेक्ट करेंगे ना तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। नहीं समझे अभी भी? और अगर शेयर का दाम ऊंचा रहेगा आप ऑब्वियसली एक्सरसाइज करेंगे, कॉल ऑप्शन के जैसा हो गया, आप ऑब्वियसली एक्सरसाइज करेंगे, हम आपको शेयर इशू कर देंगे। हम लोग वारंट को डेफर्ड इक्विटी इशू भी बोलते हैं, वारंट को डेफर्ड इक्विटी इशू भी बोलते हैं। लिखिए आगे, बस जानकारी के लिए बोला आप लोगों को, रखिएगा ये वाला जानकारी, इंडिया में थोड़ा कम पॉपुलर है, ठीक है? अब लिखो नंबर 16, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डैश करके लिखो, इन द केसेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट द एंटिटी हैज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बोलो क्या, टू पे कैश ऑब्लिक अनदर एफए फुल स्टॉप द एंटिटी, नहीं ऐसे लिखो, द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू बोलो, द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू बोलो क्या, द नेट असेट्स ऑफ द एंटिटी अच्छा अब वो वाला बात फिर से नहीं लिखा रहे हैं जो 14 नंबर में लिखा है। हेलो, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सीसीपीएस है, अब मान लो मैंने सीसीपीएस इश्यू किया लेकिन वो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास कर गया, हेलो, तो हम तो उसको फिर इक्विटी में घुसाएंगे ना जी, तो वाला लाइन आप बार 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 नहीं बोलेंगे, क्लियर? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 16, 17, कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे जबरदस्त ये कहानी है, कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें दोनों हो, दोनों मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश भी हो और इक्विटी वाला केस भी हो, मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी हम आपको देने वाले हों, क्या समझे? दोनों चीज हो, मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश भी रहेगा
और इक्विटी वाला गुण भी रहेगा तो क्या किया जाएगा? सर एग्जांपल दीजिएगा, जरूर देंगे। वन डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जितना लायबिलिटी कंपोनेंट है कैसे निकलेगा हम आपको बताएंगे। जितना लायबिलिटी डिवाइड करोगे तो दो कंपोनेंट हो गए, लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा तरीका हम आपको बताएंगे, कि तरीका है। लायबिलिटी कंपोनेंट को लायबिलिटी में लिख दीजिएगा, इक्विटी कंपोनेंट को इक्विटी में लिख दीजिएगा, और जो इक्विटी कंपोनेंट रहेगा आप जानते हैं उसके वैल्यू चेंज नहीं होते, लेकिन लायबिलिटी कंपोनेंट जो रहेगा अब वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे जाए या एफईटीपीएल पे जाए। लायबिलिटी के तो दो क्लासिफिकेशन है ना, इट विल आइदर बी एसी और इट विल बी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो उसका जैसे अकाउंटिंग होना होगा हो जाएगा। लिखो, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड इन सच ए मैनर दैट some instruments are designed in such a manner that they have both the components that is a liability component and an equity component. And an equity component. Full stop. जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, केसेस को, तो आपको दिखाई देगा साफ साफ कि इसके अंदर दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, नीचे लिखो, वी हैव टू सेग्रीगेट द कंपोनेंट इन टू टू पार्ट्स, and record the instrument accordingly. ठीक, नीचे लिखिए A, liability component. ये पहले निकलेगा लायबिलिटी कंपोनेंट। कैसे निकलेगा मालूम? जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी कंपोनेंट तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा ना, जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आप जो पैसा पे करने वाले हैं उसका फेयर वैल्यू निकाल लो पीवी निकाल के। आप जानते हो ना, किसी भी चीज का फ्यूचर कैश फ्लो का अगर आप पीवी निकाल लेते हो तो उसको फेयर वैल्यू बोला जाता है। दुनिया में फेयर वैल्यू का एक तो फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू को आप बोलते हो, और अदरवाइज अगर कोई चीज का मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मैंने अलग से वो चीज मार्केट में नहीं बिकता है, तो उसका फेयर वैल्यू निकालने का द बेस्ट तरीका इज फ्यूचर कैश फ्लो का पीवी निकाल लो। इवन अगर आपको याद हो, आप लोग एक तो फंडा पढ़ते होगे, क्या उसको तुम लोग बोलते हो, डी वन बाई के ई गॉर्डन मॉडल पढ़ते हो ना, D1/KE या E/KE वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए, P0 इक्वल टू D1/KE नहीं पढ़ते हो? वो परपिचुअल एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू ही है और कुछ नहीं है। A/R ही है वो, लिखिए, पढ़ेंगे आप FM में। क्या लिखा बोलो तो, लायबिलिटी कंपोनेंट, डिटरमाइन इट by
by finding the present value of future cash flows using current market rate of interest. Using current market rate of interest दिया हुआ रहेगा आपको. हाँ, फ्यूचर कैश फ्लो पता चल जाएगा तुमको देख करके, डरना मत. हाँ, उससे पीवी निकाल लेना. वो लायबिलिटी कॉम्पोनेंट रहेगा. नीचे लिखो इक्विटी कॉम्पोनेंट. द बैलेंस the balance consideration received will be the balance consideration received will be called the equity component. बहुत सारे examples, बहुत सारे sums अभी तक जितना पढ़े हैं उस पर होने वाला है. हम आपको reading करने का पहले एक बार time दे देंगे. 16 पैरा. पहले खाली ये line सुन लो. मान लीजिए हमने कोई instrument issue किया, public से 400 करोड़ रुपए लिए. उस instrument के अंदर दोनों गुण हैं, LCB है, ECB है. वो थोड़ा थोड़ा दोनों गुण हैं. आप पहले एलसी को इवेल्युएट कर लीजिए, लायबिलिटी कंपोनेंट को. कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके. मान लो निकला 310 करोड़, तो जो एक्स्ट्रा 90 करोड़ है दैट विल बी कॉल्ड जल्दी इक्विटी कंपोनेंट. अब ये इक्विटी कंपोनेंट हो गया, ये लायबिलिटी कंपोनेंट है. अब इसका अकाउंटिंग जवाब दीजिए. कल पढ़े हो लास्ट, कल का लास्ट पैरा. या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होगा या एफवीटीपीएल पे होगा. बोलिए हाँ या ना. तो देख लीजिए किस पे होने वाला है. अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के तो कुछ फंडाज है ना, कब आप उसको अमोर्टाइज. वो दोनों टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, देख लो, गुजार लो वहां से. अगर एसी बन रहा है तो एसी पे लिख लो, नहीं तो एफवीटीपीएल जिंदाबाद है, एफवीटीपीएल पे लिख लेना. जल्दी से यस नो बोलिए. और इक्विटी कंपोनेंट जिसको बना दिए ना, वो फिक्स हो गया, जाकर के बैलेंस शीट में चिपक गया. उसमें बार बार मार्केट प्राइस के चेंजेस को लिखने की जरूरत नहीं है, वो जाके फिक्स हो गया. तो इक्विटी कंपोनेंट को लेकर के बहस कम होता है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होता है वो पीएनएल को हिट नहीं करता है. लेकिन लायबिलिटी कंपोनेंट है ना जी, और अगर वो एफवीटीपीएल है, बोलिए, अगर कोई लायबिलिटी कंपोनेंट है और वो एफवीटीपीएल है तो बताइए क्या होगा. अगर वो लायबिलिटी कंपोनेंट बढ़ गया, बोलो, फेयर वैल्यू अगर उसका इंक्रीज कर गया, और मान लीजिए वो एफवीटीपीएल लायबिलिटी है, बढ़ गया, तो क्या होगा? पीएनएल में हिट करेगा. तो कंपनियां डरेंगी ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट इश्यू करने से. यस और नो? तो ये केयरफुल रहने की जगह है. इज इट ओके? सो इक्विटी कंपोनेंट में चेंजेस लिखे नहीं जाते. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मेजरमेंट फेयर वैल्यूज पे नहीं होता, वो पड़ा रहता है. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब मेरा अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. हेलो, हम किसी दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद के रखेंगे? वो मेरा फाइनेंशियल असेट है. जब भी मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर्ड करूंगा तो मान के चलना वो मेरा ओन इक्विटी शेयर की बात मैं कर रहा हूं. फुल स्टॉप.
खत्म हो गया, एक दो ठो बात करते हैं, फिर आप पढ़िएगा पूरा, हाँ, शुरू से लेके लास्ट तक, फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे एक दो ठो। ये बताइए, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर मैं इशू करता हूं, क्या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर मैं इशू करता हूं, प्लीज बोलना मत इशू नहीं होता है, 20 साल का लिमिट होता है, ये वो लो ला मत झाड़ना यहां पे, हाँ कुछ लो हमको भी मालूम है, मालूम है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूं और डिविडेंड के लिए बोलता हूं कि जितना इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा उसका 3% नीचे तेरे को दे देंगे, ₹400 करोड़ तुम लोग से ले लिए, जिंदगी में वापस नहीं करेंगे, तुम खुश है रे बाबा, यू आर हैप्पी। और डिविडेंड की ये कहानी कर दी मैंने, बोलो सर पूछ क्या रहे हैं, एनालाइज करो, लायबिलिटी है, इक्विटी है, पार्ट पार्ट है, इक्विटी है ना, कोई सा भी मेरी तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है नहीं है, इंटायर मनी विल बी रिकॉर्डेड इन इक्विटी। अच्छा ये पकड़ के दिखाइए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 10 ईयर्स एट पार, ₹400 करोड़ तुमसे लिए, ₹400 करोड़ तुमको वापस करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, डिविडेंड विल बी लिंक्ड टू द इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड नहीं भी दे सकते हैं, 10 साल बाद पैसा वापस कर देंगे, डिविडेंड इक्विटी को जितना मिलेगा उससे 4% कम करके तेरे को देंगे। पूरा यही ये तो पार्ट पार्ट भी कहानी आ गया भाई, अभी अभी पार्ट पार्ट भी देखना है। बोलिए कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ना, बोलिए और कुछ तो नहीं है ना, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है इक्विटी में घुसा दीजिए उसको। तो सर कैसे इवैल्यूएट करेंगे, बताए ना कैसे इवैल्यूएट करेंगे, बाकी तो सम बनाएंगे तब पता चलेगा, बताओ कैसे इवैल्यूएट करेंगे, रुक तो जा थोड़ा सा, जल्दी जल्दी बताइए कैसे करेंगे, अभी तो पढ़ाए हैं, जितना हम पेमेंट करने वाले हैं कितना साल बाद, 10 साल बाद, उसका पीवी निकाल लो, तुमसे कितना करोड़ रुपए लिए थे सर, मालूम नहीं आप कितना बोले थे, हम लोग भी ध्यान नहीं देते, 400 करोड़ रुपए लिए थे ना, और कब चुकाएंगे, कंपल्सरीली रिडीमेबल है ना, तो आप 400 करोड़ का पीवी निकाल लो 10 साल के बाद का, आपको मिल जाएगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, आप चिंता मत करो, उसका पीवी निकाल लो, दैट मच विल बी द लायबिलिटी कॉम्पोनेंट, एंड बैलेंस जो पैसा मिला, हम तो टोटल तुमसे 400 करोड़ लिए होंगे, एक्स्ट्रा जो पैसा मिला दैट विल बी माई इक्विटी कॉम्पोनेंट। डन, ये पकड़ के दिखाओ, तो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर दिए तुमको, 10% डिविडेंड देंगे अगला 10 साल तक, दस साल की लाइफ रखी रे, और उसके बाद कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है, नंबर भी फिक्स्ड है, कितना शेयर देंगे वो नंबर फिक्स्ड है, तुमसे 100 करोड़ रुपए ले लिए, 100 करोड़ के बदले तुमको 1 करोड़ इक्विटी शेयर दे देंगे, 100 रुपया वाला, माने 10+90 करके दे देंगे, और 10 साल तक तुमको 10% डिविडेंड देते रहेंगे। बोलिए, जो 10% का हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल है ना वो, तो उतना परसेंट रूप का पीवी निकाल करके दैट विल बिकम योर लायबिलिटी कंपोनेंट एंड रेस्ट ऑफ द मनी विल बिकम योर इक्विटी कंपोनेंट। सो कितना गंदा हो गया,
सर पहले तो ना नाम से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी में घुस जाता था, नाम होता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चलो इक्विटी में घुसाओ। अभी नाम का तो इज्जत ही ले लिया आप लोग। हम लोग क्या इंडेस 109 ना, रदर इंडेस 32 में सब कहानियां लिखी। सो केयरफुली एनालाइज वेदर द होल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी, होल इंस्ट्रूमेंट इज लायबिलिटी, और पार्ट इंस्ट्रूमेंट इज लायबिलिटी एंड पार्ट इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी। डिड यू गेट इट क्लियरली? जज कर लीजिए, अगर पार्ट पार्ट भी करना पड़ा तो बड़ा प्रॉब्लम तो है ही नहीं, और अगर पार्ट पार्ट नहीं करना पड़ा तब तो और बढ़िया है, लायबिलिटी है कि इक्विटी है देख लो। अच्छा सर ये पकड़ के दिखाइए, कितना करोड़ लिए तुमसे? 400 करोड़ रुपए लिए तुमको हम, 4 करोड़ प्रेफरेंस शेयर पकड़ा दिए 100 रुपया वाला। आई गेव यू 4 करोड़ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, वही मेरा फेस वैल्यू है, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर्स, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 10 ईयर्स, एंड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स यू विल गेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ 11%, जो कि मार्केट रेट है, नॉर्मल है। बोलिए पूरा लायबिलिटी है कि नहीं? कोई पार्ट ही नहीं है, पहले इंटरेस्ट देंगे और लास्ट में रिडीम कर देंगे। सो द एंटायर इंस्ट्रूमेंट इज अ लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि सर नॉर्मली हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर जानते हैं, जिसको सीपीटी और आईपीसीसी और सीए इंटर में हम लोग इक्विटी में डाला करते थे, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट आज से लायबिलिटी में बुक होने लग जाएगा। भाई नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर ऐसा ही होता है कि नहीं हमको बताओ? जैसे वो बच्चे, जैसे मैं बोला इरिडीमेबल, बोला इरिडीमेबल इशू नहीं होता है, तो लो तेरा वाला इंस्ट्रूमेंट इशू करके दिए, कंपल्सरीली रिडीमेबल। 20 साल शायद लाइफ है कि 10 साल है अभी इंडिया में, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए बिकॉज इरिडीमेबल कर नहीं सकता, और रेट ऑफ डिविडेंड भी रहता है उसमें, जानते हो फिक्स रेट रख के दे दिए तुमको। बोलिए फुल इंस्ट्रूमेंट इज अ लायबिलिटी। सो बी वेरी केयरफुल, हम लोग एक लेवल तक पहुंच गए हैं। अच्छा अब ये बताओ तो, एक ठो पॉइंट और लिखते हैं उसके बाद फिर पढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिखो, इम्बेडेड क्या लिखा, इम्बेडेड डेरिवेटिव्स, सॉरी मेरे को स्पेलिंग पहले बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बार हमको पहले डेरिवेटिव का मीनिंग बता दो। बोलिए वैल्यू चेंज होगा किसी अंडरलाइन के साथ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगा और फ्यूचर डेट में सेटल होगा, तीनों कैरेक्टरिस्टिक होने से डेरिवेटिव। हाँ अच्छा अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे जिसके अंदर एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा इम्बेडेड डेरिवेटिव मींस, समझा रहे हैं आपको, हाँ, जिसके अंदर एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो पूरा नॉन डेरिवेटिव का कैरेक्टरिस्टिक लिया हुआ रहेगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आप उसको गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, होस्ट है इसलिए गेस्ट बोल दिए, इसके अंदर सारी डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। फिर से बोलिए क्या, एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक डेरिवेटिव रहेगा और एक नॉन डेरिवेटिव रहेगा और एक डेरिवेटिव रहेगा।
अगर डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव को मिला करके एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जाता है तो ऑब्वियसली उस इंस्ट्रूमेंट को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो चीज कंपाउंड होकर घुस गया है। नंबर टू, उसके अंदर जो डेरिवेटिव वाला माल है ना, उसको बोलते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। ए डेरिवेटिव विच इज एम्बेडेड इनटू अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इट ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जल्दी बोलिए, पॉसिबल है ना? तो अगर ऐसा है, अलग अलग करना पड़ेगा। नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अलग कीजिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को अलग कीजिए। सर, सेपरेट करने का रूल वही वाला। कौन सा वाला? अभी जो तुमको पढ़ाए हम, वही वाला लिखिए। लिखिए, समटाइम्स सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड इन सच ए मैनर दैट आर डिजाइंड इन सच ए मैनर दैट there will be a proper host contract which will have all the characteristics of a non-derivative instrument and there will be a derivative contract to make it a compound financial instrument. To make it a, bolo beta, compound financial instrument. Full stop. We have to separate them in the same manner as discussed before. As discussed in the upar wala paragraph ka number bol do na. As discussed in the above para. Upar wala mein hai na re wo separation wala line. As discussed in the above para. अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, options कल सुने थे ना? options क्या होता? options call option के बारे में कुछ बताइए ना। अच्छा, right to buy word जानते हैं क्या आप लोग? right to buy, बोलिए हाँ या ना। नहीं जानते मैं बताऊंगा, जानते हैं आगे चलते हैं। right to buy जानते हैं? नहीं जानते ना? हाँ तो सुनिए बेटा, इधर सुनिए। कल जो हम ऑप्शन सुना रहे थे उसके बारे में बताओ तो कुछ। रिलायंस का, अच्छा आज देखो कितना दाम हो गया है, भयंकर गिरा कल रिलायंस। वो 26 रुपए अभी 12 रुपए आ गया होगा, 12 नहीं भी तो 15 रुपए तो पक्का, 15 रुपए तो पक्का ही आ गया होगा। दिखाएंगे ना? हाँ, देखने का मन है। कल तो भयंकर रुपया लगा मेरे को। आइए, क्या लिखा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कितने रुपए का कॉल था वो? 960 का कॉल था। और क्या उसका वो था रे प्रीमियम? 26 रुपए, बस बस। और कौन सा महीना में एक्सपायरी होने वाला था? दिसंबर 28। वेरी गुड, एकदम ये सब चीज याद रहता है।
पढ़ाई भूल जाएगी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए बोला था कि प्रैक्टिकल टच देना। सीइंग इज बिलीविंग क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स क्यों होते हैं, देख लेते हो कोई चीज, अगर सीइंग इज बिलीविंग एक वर्ड होता है और वो चीज कैसे दिमाग में याद, दृश्यम पिक्चर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, दृश्यम जो पिक्चर था इसी आइडिया पे बेस्ड था, 50 बार पढ़ लो याद नहीं रहेगा, देख लो उसको याद रह जाता है। एनीवे छोड़िए, आप अभी कितना रुपया देंगे तो आपको ये कॉल मिलेगा, इसको कॉल बोलते हैं, 26 रुपया देंगे तो। अच्छा मान लो उसके बाद लास्ट में शेयर का दाम 800 रुपया हो गया, तो क्या आपको डिफरेंस का पैसा देना पड़ेगा या कॉल लैप्स हो जाएगा, कल बताया था ना कॉल लैप्स हो जाएगा। और अगर मान लो दाम 1000 या 1200 या 1500 रुपया हो गया, चलो एक महीना में 1500 रुपया बोलिए, तो आपको डिफरेंस का पैसा मिलेगा ना, तो जो डिफरेंस का पैसा मिलता है ना उसको बोलते एक्सरसाइज करना, क्या बोलते हैं कि आई एम एक्सरसाइजिंग द कॉल, कॉल को ये जो कॉल एज ए प्रोडक्ट है इसको राइट टू बाई भी बोला जाता है, राइट टू बाई। लेट अस नो व्हाई इट इज कॉल्ड राइट टू बाई, जस्ट टू लाइंस, दो लाइंस ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेट अस नो व्हाई इट इज कॉल्ड राइट टू बाई ऑल्सो, कॉल इंग्लिश का दूसरा नाम इज राइट टू बाई। बोलते ना आपने कॉल खरीदा रिलायंस का 960 रुपया के एक्सरसाइज प्राइस का, बोलते हो ना आप, एक्चुअल में आपने कॉल नहीं खरीदा है, आपने एक राइट खरीदा है, कॉल इज ए राइट टू बाई रिलायंस एट ए प्राइस ₹960, 960 रुपया में रिलायंस को शेयर को खरीदने का आपने एक अधिकार खरीदा है, जो दिसंबर 28 को आप एक्सरसाइज करेंगे, और आप उस राइट को छोड़ भी सकते हैं, आपका अपना राइट को 960 में आपको रिलायंस देगा वो आदमी, कौन, जिसने सेल किया कॉल, आपने तो खरीदा ना, वो 960 में आपको रिलायंस देगा। आप सोचो आप तो दिसंबर 28 को एक्सरसाइज करेंगे ना, तो दिसंबर 28 को अगर इसका दाम 1500 रुपया हो गया, आपके पास कितना रुपया में राइट है खरीदने का, 960 में। अब अगर 1500 रुपया हो गया उस रिलायंस का दाम और आपके पास उसी को खरीदने का राइट 960 रुपया में, आप तो एक्सरसाइज करेंगे ना राइट, तो आप तो 960 रुपया में रिलायंस लेंगे ना उससे। मान लो ये डिफरेंस का पैसा नहीं, डिलीवरेबल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता, डिलीवरेबल कि हम लोग को रिलायंस लेना है, तो वो बंदा आपको रिलायंस देगा, आप उसको 960 रुपया दीजिएगा, फिर इंजॉय कीजिएगा 1500 रुपया के रिलायंस को। इसको बोलते राइट टू बाय, क्योंकि आपके पास राइट था खरीदने का, वो भी 960 रुपया में, वो भी एक महीना बाद, वो भी खाली 26 रुपया दे के। हेलो ऊपर देखिए, मान लो रिलायंस का दाम एक महीना के बाद हो गया 700, आपके पास क्या है, कॉल मत बोलिए, राइट टू बाय 960 रुपया में, बोलिए राइट टू बाय है, ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, यू हैव अ राइट टू बाय जो आप कभी भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास 960 रुपया में राइट टू बाय है और दाम 700 हो गया, तो आप 960 रुपया वाले राइट को तो छोड़ देंगे ना, 700 में ले लेंगे ना फिर मार्केट से ही अलग से, अगर लेने का इतना आग लगा हुआ है तो वी विल लैप्स द ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन को लैप्स होने दे देंगे, बिकॉज इट इज ए राइट टू बाय। छोड़े अभी एक बार इस चीज को, आपको समझ में आया ऑप्शंस में क्या। अच्छा अब ये तो बताओ अभी कितना रुपया प्रीमियम देके खरीदे आप ये वाला, 26 रुपया देके। अब ये सोचो ना, अगर शेयर मार्केट में शेयर का दाम एक दिन के अंदर ही 1040 हो जाता है, क्या उसके बाद भी ये प्रीमियम आपको 26 रुपये में ये वाला माल मिलेगा, बोलिए मिलेगा, ये वाला दाम 26 रुपये में कैसे मिलेगा, शेयर का दाम बढ़ गया है ना, तो ऑप्शन का दाम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यही चीज अब आपको ज्यादा प्यारा लगने लग जाएगा ना, कि बढ़िया हुआ हम खरीद लिए 26 रुपया देके, अभी दाम 1040 हो गया। इज इट डन, छोड़े अभी इस बात को। हाँ वॉरंट्स में इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, द प्रॉब्लम इज वॉरंट्स जनरली क्योंकि इंडिया में इश्यू नहीं होता और स्टॉक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
माने क्या बोलते उसको, एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अदरवाइज वारंट की कैरेक्टरिस्टिक एकदम ऐसी ही है। चलो आप ना 5 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, सिर्फ 5 मिनट। कितने पैराग्राफ हैं? 18। कितना पेजेस है? 5 पेज है। पढ़ सकते हो 5 मिनट में? नो चांस। हो जाएगा, आपका अपना लिखा हुआ है ना, हो जाएगा। फटाफट फटाफट पढ़ो। पढ़ो पहले, फिर बहुत देर बात करेंगे सब चीज के बारे में। पहले आपको बोला नाम दिखा दें खाली, मेरा भी मन है देखने का। फील होगा ना एकदम सॉलिड, नाम चेंज हुआ। इट चेंजेस विथ, क्या बोले थे, डेरिवेटिव्स का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। आपने सुना एक कंपनी ने ऑप्शन इशू किया, कंपनी ने शेयर इशू किया, सुनते हैं। कोई कंपनी ऑप्शन थोड़ी इशू करता है, कंपनी तो शेयर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है। ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव लायबिलिटी या डेरिवेटिव असेट। दिसंबर ना 960 ना कितना था ये देखो, देख भी लिया बेटा, कमती स्मार्ट नहीं है वो, हमसे तेज है ये लोग। इतने कई लौट हो मेरे भाई, छोड़ भी दे दुनिया में कोई चीज, 1000 शेयर का लौट है। नहीं दिख रहा, दिखेगा तुम थोड़ी देर, थोड़ा टाइम दे इसको सेटल होने का। इतना कमजोर क्यों हो गया रे? ₹26 हैज बिकम ₹15। क्या चीज चेंज हुआ कि डेरिवेटिव का ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव, क्योंकि आपको खाली ₹26 देना पड़ रहा, ओनली 26। बोली हाँ या ना? एंड इट्स वैल्यू चेंज्ड इन वन डे नहीं, 2 डेज। आप कब आए थे? कल आए थे, परसों आए थे, सारा कर्मकांड कल हुआ है, परसों कुछ नहीं हुआ था। परसों वाज एवरीथिंग नाइस, परसों मेरा बर्थडे था। हाँ जोड़िए ना, उसे क्या नहीं जानी है, बर्थडे नहीं तो कल खराब हुआ ना बर्थडे तो। इधर इधर देखिए क्या हुआ, रिलायंस गिरा ₹24। अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था कौन चीज कितना गिरेगा, वो 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज दैट इज नॉट अ 1-to-1 रिलेशनशिप। रिलायंस का शेयर का दाम गिरा तो कॉल का दाम भी गिरा। अरे थोड़ा रुको रे बाबा, ऐसे छोड़ दे अभी, परसेंटेज बाद में हिसाब करेंगे। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख, कुछ एफएम के सर के लिए भी छोड़ दो। डिड यू सी इट?
ऑप्शंस रिक्वायर लिटिल इन्वेस्टमेंट. ऑप्शंस वैल्यू चेंजेस विथ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग. और लास्ट ऑप्शन विल बी सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट इज यहां लिखा हुआ, देखिए साला नवंबर है लिखा हुआ अभी भी. वेबसाइट क्या बोलते हैं उसको, ऐप भी ना आउटडेटेड ही रहता है. जब नवंबर 30 चला गया है हाँ, अब जब अपडेट हो जाएगा. वाह साला तुमको मालूम है सब. और हम इतना दिन से यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ये लोग को. माने हम भर देते हैं ट्रेडिंग करके, पर हमको नहीं मालूम कितना बजे अपडेट होता है. ये बेटा जिंदगी में एक ठो दो ठो तीन ठो ट्रेडिंग करता होगा. हाँ डेरिवेटिव नहीं किया इन लोगों को, ये सब चीज खूब माल. इसीलिए बोलते हैं कि यंगस्टर्स लोगों के साथ रहिए, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा. खास करके ये टेक्नोलॉजी वाला जो चीज है ना, उस चीज में नाइस. अच्छा अभी फटाफट पढ़ो चलो. जल्दी जल्दी हाँ हेजिंग ना अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे. हेजिंग हम लोग ड्रॉप करेंगे, हेजिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे. थोड़ा सा दिन और डेरिवेटिव्स के साथ देखो, थोड़ा सा रहो, उसके बाद हेजिंग पढ़ेंगे. ठीक है, बाकी सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे. क्योंकि डेरिवेटिव ही जानते नहीं अच्छे से, डेरिवेटिव को यूज करके हेजिंग किया जाएगा. आप समझ लो थोड़ा कहानी हार्ड हो जाएगा. तो लास्ट की तरफ में पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे. पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी.
चालू करें, पढ़ लिए ना, ठीक ठाक समझ में आया, कंट्रोल है तो। एक दो बार हम लोग और रिवीजन भी करेंगे, थोड़ा नया टाइप का इंड एएस है, ठीक है। एक्सरसाइज में जाइए और आज बहुत सारा रीडिंग करने देंगे हम, बहुत सारा सम्स, जैसे 118 पैरा है तो इलस्ट्रेशन रीड करने देंगे, बहुत दिमाग खुलेगा। एंड देन नेक्स्ट क्लास में फिर बहुत सारे सम्स बनाएंगे। सम नंबर 1 देखिए, एकदम सिंपल, बच्चा जैसा सम है, आराम से देखिए। पेज नंबर 48, जल्दी बोलिए क्या लगता है। खाली आपको ये बोलना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला गुण है कि नहीं है, एनालाइज करके बताइए। डू वी हैव ए राइट टू रिसीव कैश, कलेक्ट कैश, डू यू हैव दैट? जल्दी बोलिए। और अगर वो जल्दी पैसा देता है तो हम लोग डिस्काउंट भी देंगे, और अगर वो बाद में पैसा देगा डिले करके, जल्दी बोलिए, तो हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। नॉर्मली डेटर्स के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, बताइए। एग्जैक्टली ऐसे ही तो डेटर्स फंक्शन करता है। तो नाउ टेल मी, इज डेटर ए फाइनेंशियल असेट? जल्दी बोलिए, लिखिए। नो, हाँ, क्या लाइन बोलिए? जनरली पॉलिसी नहीं होती लोगों की, इवन इफ आपका अगर सेल करने का पॉलिसी हो तो भी वो फाइनेंशियल असेट ही रहेगा। सेल करने का पॉलिसी नहीं है मतलब, समझिए प्लीज, सेल करने का पॉलिसी नहीं है मतलब हम अपने डेटर्स को बीच में किसी को दे करके कैश नहीं लेंगे, हम डेटर से ही कैश लेंगे। डेटर्स का सेल भी तो होता है ना, आप लोग सुने होंगे फैक्टरिंग, नाम सुने होगा फैक्टरिंग, फैक्टरिंग वर्ड सुनो, फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग अपने डेटर्स को सेल करके किसी दूसरे आदमी से पैसा ले लेना इज कॉल्ड फैक्टरिंग। अच्छा हुआ बच्ची ने पूछ लिया, ये सब चीज पूछ लिया करो, आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो, है ना। चलो लिखो, हाँ 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 हाँ, अरे ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। लिखिए, ए लिमिटेड हैज सोल्ड द गुड्स, हैज सोल्ड गुड्स टू इट्स कस्टमर्स विच गिव्स राइज टू डेटर्स, फुल स्टॉप। डेटर्स आर फाइनेंशियल असेट्स एज ए लिमिटेड हैज, थोड़ा फास्ट फास्ट, बोलो, एज ए लिमिटेड हैज, बोलो क्या,
contractual right to receive cash. Full stop. Second, asset. बोलिए, liability है ना, लिखो. Z Limited has accepted deposits from its customers क्या? जर्नल एंट्री बोलो ना, तुमको डिपॉजिट मिला है कि तुम दिए हो? लिया है ना? हाँ, तो खत्म. ओ वो ठीक है, आप उस किसका बुक्स में मांगा है वो नहीं पता है तुमको. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम होल्डर के लिए ऐसा और इश्यूअर के लिए ऐसा कर देना, ठीक है. और वो अगर गलती है, तुम किसका बुक्स के लिए उल्टा पलटा बोल दिए हो, देन इट्स फाइन. आई मीन यू आर ओके, पर तुम बुक से उल्टा समझ रहा था. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है. कहां लिखा इन द बुक्स? हाँ ठीक है, एसेट होगा. लिखो क्या लिखा? जेड लिमिटेड हैज एक्स नहीं गिवन है एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स. ऑब्लिक करके लिख लो डीलर्स. दिस डिपॉजिट कैरीज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. For Z Limited. Full stop. However, for the dealer, it's a contractual right to receive cash. जब डीलर पूछा है तो हम लोग को डीलर के हिसाब से आंसर करना है, और क्या है ना, लिखो देयरफॉर द डीलर विल रिकॉर्ड इट एज अ फाइनेंशियल असेट. अच्छा सुने ना, एक लाइन और बोलिए तो मेहनत करके. डीलर विल रिकॉर्ड इट एज ए फाइनेंशियल असेट. फाइनेंशियल असेट तो तीन तरह का होता है ना, एसी, एफवीटी, ओसीआई और एफवीटी पी एंड एल.
अभी हमको पूछने का मन नहीं था, बट ऐसे ही इस क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को बहुत सारा चीज, इसलिए पूछ रहा हूं। लग रहा है ना एसी वाला कहानी, लग रहा है कि बीच में बेच करके पैसा ले लेगा कहीं से डीलर, जब उसको कंटेनर वापस करेगा तभी तो डीलर को पैसा अपना वापस मिलेगा। बोलिए हाँ या ना, तो मैच्योरिटी तक रखना पड़ेगा ना, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के ऐसे भी इन सब चीजों का फेयर वैल्यू भी नहीं निकलेगा, बट एनीवे दे आर टू बी रिकॉर्डेड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लिख दो ना एक लाइन और मन रखने के लिए, लिखिए दिस फाइनेंशियल असेट शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी मेजर्ड करना, शुड बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अच्छा उस वक्त देखो हम एक तो बात बोल रहे थे, बात बोलते बोलते रुक गए थे, एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में बोल रहा था मैं, है ना, एम्बेडेड डेरिवेटिव पढ़ लिए थे लेकिन एक बात दिमाग में आई थी उस वक्त छूट गई थी, अभी वो वापस दिमाग में आई तो अभी बता देता हूं। हाँ सुनो एक लाइन आपको लिखना है, खाली सुनो, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड डेरिवेटिव होस्ट एंड गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मान लीजिए हम एक डिबेंचर इश्यू किए, आप लोगों से 400 करोड़ रुपया लिए, कितना 400 करोड़ रुपया, 10% हम आपको इंटरेस्ट देंगे, कितना 10%, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही है, माने मेरा जिस तरह का क्रेडिट वर्दीनेस है ना, हमको 10% पे ही पैसा मिलता है बाजार से, मतलब हम कोई इंफीरियर क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी का डिबेंचर इशू नहीं किया आपको, 10% माने फेयर वैल्यू है, कहने का मतलब आपको फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। हम ना आपको एक ऑप्शन दिए, क्या दिए ऑप्शन, आपको आप बायर हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, हाँ आपसे लिए 400 करोड़ रुपया, हम आपको ऑप्शन दिए कि कभी भी आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम आपको देंगे, पांच साल की लाइफ है, 5 साल तक 10% इंटरेस्ट ले लो, 5 साल के बाद 400 करोड़ रुपया वापस ले लो अगर आपका मन करे तो, बीच में कभी भी आपका मन करे ना तो आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, एक डिबेंचर के बदले 4 इक्विटी शेयर दे देंगे, 100 रुपया वाला है, 100 रुपया वाला 4 करोड़ बॉन्ड है रे बाबा प्लीज, हाँ और 25 रुपया करके इक्विटी शेयर देंगे, हाँ तो 10+15 भाई प्लीज, और हम आपसे पैसा लिए 470 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया का बॉन्ड दिए, आपसे 470 करोड़ रुपया लिए, चार करोड़ आपके डीमैट अकाउंट में बॉन्ड घुसा है 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, और आपने मेरे को 470 करोड़ रुपया दिया है, बोलिए इसमें एक वो है कि नहीं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन है कि नहीं आपके पास, अगर शेयर मार्केट में शेयर का दाम भाग गया, अभी मेरे शेयर का दाम 25 है, आपके बॉन्ड का दाम 100 रुपया है, बोलो हाँ, अगर शेयर का दाम हो गया 125 130 270 क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज कर लेंगे ना कि फिर इंटरेस्ट के लिए रुके रहेंगे, इंटरेस्ट के लिए रुके रहेंगे कि एक्सरसाइज कर लेंगे, हाँ एक्सरसाइज करो, माल बेचो आराम आराम से एंजॉय करो दुनिया को, और क्या, डिड यू गेट द पॉइंट, तब बताइए इसके अंदर एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो देखने से पूरा डिबेंचर लग रहा है, बोलो हाँ या ना, पूरा प्योर डिबेंचर है वो, नॉन डेरिवेटिव है कि नहीं है, और एक डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का वैल्यू कैसे चेंज होगा बोलो तो, अगर मेरी कंपनी का शेयर का दाम ऊपर नीचे होगा तो डेरिवेटिव का वैल्यू चेंज होगा ना, यू विल बी हैप्पी, बोलो व्हेन, हाँ व्हेन शेयर प्राइसेस गोज अप एंड यू विल बी डाउन, यू विल बी अनहैप्पी व्हेन माय शेयर प्राइस गोज, तुम लोग दिया 470 करोड़ रुपए, भाई तुम लोग
470 crore रुपया दिया, यू आर हैप्पी टू पे मी दिस 70 crore रुपया, यू पीपल आर हैप्पी, आप टेंशन मत लो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको इस तरह का इंस्ट्रूमेंट खरीदने का आदत है. आर यू पेइंग मी फॉर टू थिंग्स? बोलो, आर यू पेइंग मी फॉर टू थिंग्स? क्या क्या? 400 crore रुपया वी आर पेइंग फॉर डिबेंचर्स एंड 70 crore रुपया वी आर पेइंग फॉर दैट ऑप्शन. यस और नो? इसका फेयर वैल्यू जानबूझ के 400 ही रखा है अभी, हाँ, ताकि वो झमेला नहीं हो कि मेजरमेंट करे फेयर वैल्यू कुछ और निकल गया तो ऑप्शन के लिए आप ज्यादा पैसा दियो या कम दियो, हो सकता है ना मुन्ना, वो बाद में बात करेंगे, उसमें लभी झमेला नहीं डाल रहे. इसको बोलते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव, माने नॉर्मली डिबेंचर डिबेंचर ही है, डेरिवेटिव चुपचाप जाके वहां बगल में बैठ गया, बोला हम भी साथ में बिकेंगे. हेलो, बड़ा सारा अगर खिलौना पकड़ोगे तो बड़ा सारा खिलौना आदमी है यहां बैठ के, छोटा सा डेरिवेटिव जाकर के, सॉरी, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये डिबेंचर ही है, और ये बगल में जाके कौन बैठ गया? ऑप्शन. इसको बोलते हैं इम्बेडेड डेरिवेटिव. इम्बेडेड माने साथ में घुस जाना. सर क्या करना पड़ेगा? बोलो, सेपरेट करना पड़ेगा. क्या प्रिंसिपल है सेपरेट करने का? एग्जांपल नहीं, लॉजिक बोलो जो पढ़े अभी. सर पहले यहां ऑब्लिगेशन का पीवी निकाल लो, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसे लायबिलिटी कंपोनेंट पता चल जाएगा, बैलेंस विल बी इक्विटी कंपोनेंट. प्रॉब्लम क्या है? बोल. हां, अच्छा, फॉर मी, हाँ, मी मतलब हु? इश्यूअर. जर्नल एंट्री देख, तो मान लो 400 crore और 70 crore, 400 crore इज दी फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसको बोले लायबिलिटी कॉम्पोनेंट, हाँ, एंड 70 crore इज द इक्विटी कॉम्पोनेंट, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 470 टू लायबिलिटी कॉम्पोनेंट, 400 टू इक्विटी कॉम्पोनेंट, वही डेरिवेटिव ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन प्रीमियम 70. इस 400 को तो लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे, बोलिए हाँ या ना, लायबिलिटी की तरह. अब आराम से थोड़ा सा टाइम लेके समझो तो बेटा, कोशिश करो तो, ये लायबिलिटी किस तरह का रिकॉर्ड होगा? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एफवीटीपीएल, वो पूछ रहा हूं. ये लायबिलिटी किस तरह से रिकॉर्ड होगा? देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डिबेंचर है ना, दिस लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. और सुनो, ये जो प्रीमियम है, विल आई गिव फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश? फिक्स तो मेरे को मिल ही चुका जो मिलना है, अबे और भी कुछ मिलेगा मेरे को? तो अब जब कन्वर्जन होगा, मान ली सच्ची में कन्वर्जन हुआ, तो मेरे को फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना है कि अनफिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना है? अमाउंट जो ले लिया वो तो फिक्स्ड ही, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना है ना. अच्छा, विल दिस इंस्ट्रूमेंट बी सेटल्ड बाई इशूइंग माई ओन इक्विटी शेयर, माई ओन? अरे यार, यस और नो? तो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट में डालना पड़ेगा. तो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट में डालोगे तो पैसा जो हमको मिला वो तो फिक्स्ड ही, शेयर जो हम इश्यू करेंगे आपको उसका नंबर भी फिक्स्ड है कि नहीं? मेरे एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, हम एक डिबेंचर के बदले आपको 4 इक्विटी शेयर इशू करेंगे, बोले थे ना आप हमको 4, हम आपको 4 crore बॉन्ड दिए थे ना, हम बाद में 16 crore इक्विटी शेयर इशू करेंगे, सो नंबर्स आर फिक्स्ड. तो ये हम इक्विटी की तरह अकाउंट फॉर करेंगे. किसको? 70 crore रुपया को. आप समझिए, अगर ये मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, कोई दूसरी कंपनी का हम तुमको अगर इक्विटी शेयर देने वाले रहेंगे, तो ये 70 crore रुपया को भी हमको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा.
डिड यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट खाली कब कब चेक करना है? ओनली इन द केस ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स. एनीवे थोड़ी देर के बाद वहां जाएंगे. ये एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में मेरे को कुछ बोलना था. थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ो. बोलो. हाँ, अभी पीवी करने से भी 400 करोड़ ही आ रहा है मेरा. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही है, हम भी 10 दे रहे हैं. तो जानबूझ के पीवी कराने का अभी टाइम नहीं दिए तुमको. सम्स अभी आएगा तो पीवी करवाएंगे. पीवी निकाला तो 400 ही आया है. सुनिए ना, कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हो? पढ़ो. बोलिए. फिनांस लायबिलिटी मत बोलेगा, फिनेंशियल लायबिलिटी. हाँ, लिखो. कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है? देखो, ए लिमिटेड हैज परचेज्ड गुड्स इन क्रेडिट दैट गिव्स राइज टू अ क्रेडिटर that gives rise to a creditor, full stop. This creditor is an obligation to pay cash therefore it is a financial liability. गुड, वेरी गुड. सम नंबर 4 पढ़ो. मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे दो दो मिनट में अगर एक एक तो आंसर होता है तो 100 क्वेश्चन भी रहेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. मानते हो ना, 100 क्वेश्चन का नंबर देख के डरना नहीं है. चलो, ये एकदम कॉमन सेंस का सम है, एकदम छोटा सा बच्चा वाला सम है. 11, 12 के बच्चों को डालना चाहिए, जो सीए फाइनल में एकदम फेवरेट सम है. ऑलरेडी एक बार एग्जाम में भी आ चुका है. कर दो ना. कैसे 10 लाख और 13 लाख ही तो है. एनुअल रिपेमेंट नहीं है. 10 लाख रुपया एक एक्स अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इयर्स के बाद देगा. अरे समझ गए, उसमें कर दो ना, वन टाइम पेमेंट अमाउंट दो वहां पे. हाँ, इंटरेस्ट नहीं दिया ना. हाँ हाँ, विथ एनुअल इंस्टॉलमेंट्स को काट दो वहां पे.
एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला वर्ड काट देना, खाली एनुअल इंस्टॉलमेंट हटा दो वहां पे, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 लाख वर्ड हटा दो। लायबिलिटी है कि नहीं, खाली जल्दी से बोलो यार, ए लिमिटेड के माथा में लायबिलिटी है कि नहीं है, लिख लो। ए लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 10 लाख दैट गिव्स राइज टू contractual obligations to pay cash full stop, therefore the instrument is a financial liability. इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है, खाली प्रिंसिपल ही है। हाँ, जब जब टेन्योर खत्म होगा तब चुकाएंगे। क्वेश्चन उसके बाद एक छोटा सा 1 मार्क्स का, क्या किया बोलिए, 5वां साल में क्या हुआ, 4 साल तक पेमेंट किए, 5वां साल में क्या हुआ, 5वां साल में वन टाइम सेटलमेंट, ठीक से पढ़िए, पहले बताते क्यों नहीं, 5वां साल में क्या हुआ, हाँ इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किए, 6वां साल में क्या हुआ, वन टाइम सेटलमेंट हुआ, पेमेंट कब करना है, 6वां साल की बिगिनिंग में या 6वां साल के एंड में, पढ़िए, मतलब वो पूछ रहा है, अच्छा कितना रुपया पेमेंट करना है एक साथ, 13 लाख, तो वो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा है, बताइए, व्हाट इज द डिफरेंशियल अमाउंट दैट वी आर पेइंग ड्यू टू दिस वन टाइम सेटलमेंट, हम लोग को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है पता करना है, ऐसे आपको प्रिंसिपल कितना चुकाना था, 10 लाख, कितने साल का इंटरेस्ट आप नहीं चुकाए, 2 ही साल, तो 6वां साल में तो रिपेमेंट ही कर दे रहे हैं एंड पे, वो पूरा लास्ट तक चला गया है, अब हम पेमेंट कर देंगे पूरा, तो 8वां 9वां 10वां में कहा जा रहा है, अबे ठीक है मैं समझ रहा, नहीं चुका है ये पूछ रहा हूं, हाँ वर्ड ही नहीं सुनता, 2 साल ना कि 1 साल, गुड, 2 साल किस लिए, 1 साल क्यों नहीं, सर 5वां तो पेमेंट नहीं किए और 6th ईयर के एंड में सेटलमेंट होएगा वन टाइम, तो आप हमको ये बताइए अगर प्रिंसिपल कंपाउंड भी होता 2 साल तो कितना रुपया होता, देखो प्रिंसिपल कितना रुपया का था, 10 लाख, रेट कितने का था, 12%, 2 साल जोड़ भी ले, नहीं नहीं ऐसे सिंपल क्यों पकड़ते हो, सेकेंड ईयर आदमी क्यों सिंपल लेगा, तुम पैसा भी नहीं दोगे, ऐसा मत कर, बच्चे लोग बहुत सियाने, 1-20, 1-20, 2-40 माने शाम, 1-20 तब है जब आप चुकाते हैं उसको, जब आप नहीं, 254 आया गया एकदम एग्जैक्ट, 254 400, तो कितना लाख का प्रिंसिपल था बेटा, 10 लाख, और 254 का ब्याज हो गया, 254 400 का, तो 12,54,400 रुपया आपको पेमेंट करना था 2 साल के बाद, वो आप नहीं करके आपको 13 लाख रुपया का पर्ची थमा रहे हम लोग, तो आपको वन टाइम सेटलमेंट करने का कितने रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट पड़ रहा है वो मांग रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंशियल अमाउंट दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू फॉर मेकिंग दिस वन टाइम सेटलमेंट, बोलिए 45,600। नॉर्मली क्या होता है अगर आप बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट करने मांगेंगे ना, हाँ वो कम पेमेंट होता है, यहां 13 लाख हो रहा है ना, वो 11 लाख 9 लाख में सलटता है, उपाय नहीं है ऐसे, उसके लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, इतना आराम नहीं, अभी तो जो किया है ना इंसॉल्वेंसी का एक्ट में, हाँ कुछ नहीं होगा, डाल देगा जेल में।
मजाक नहीं है, अभी और बहुत हो गया नाटक। बैंक का रुपया ले लेके प्रमोटर लोग, नेक्सस है बैंक प्रमोटर, प्रमोटर माने कंपनी के प्रमोटर्स एंड पॉलिटिशियन। आज के 10 साल बाद हम लोग बात करेंगे, कभी मिलेंगे हम जिंदा रहेंगे तो। नॉन परफॉर्मिंग असेट इज ए स्कैम, बोला था पहले भी आपको, आज बोल रहा हूं, एनपीए इज अ स्कैम, इट्स ए नेक्सस ऑफ 3 पीपल, बैंक मैनेजर्स, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनीज एंड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन के घर से बैंक मैनेजर के पास फोन जाता है कि इसको 100 करोड़ रुपया का लोन देना है, 100 करोड़ रुपया का लोन प्रमोटर लेता है, 10 करोड़ 15 करोड़ प्रमोटर के पास जाए, क्या नाम पॉलिटिशियन के पास जाता है, 2 करोड़ 3 करोड़ मैनेजर के पास जाता है, 80 करोड़ रुपया अगला यूज करता है, कहां से इंटरेस्ट चुकाएगा वो? आप समझ पा रहे हैं, वो रुपया डुबाने के लिए लिया जाता है, किसका पैसा है वो? पैसा एक्चुअल में किसका है जल्दी बोलिए, जो डूब रहा है, बैंक का पैसा है? बैंक का पैसा किसका है? तेरा और मेरा है। सर बैंक का पैसा अपना कैसा हो गया? कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई। कौन है शेयर होल्डर? जल्दी बोलिए, हु आर दोज बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक में मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास किसका पैसा है? सरकार के, अपना बाप का पैसा है क्या? हम लोग का पैसा है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है सरकार का टैक्स का पैसा है कि नहीं? पब्लिक का ही तो टैक्स का पैसा है, हम लोग दिए। तो अगर कोई एनपीए होता है आपको भी दुखना चाहिए अंदर से, ऐसे दिल में। खाली बैंक ऑफ बड़ौदा को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ए सिटीजन शुड ऑल्सो हैव द पेन। तेरा पैसा डूबा है तुमको साला पता ही नहीं चलता है। इंडियन पब्लिक कितनी इग्नोरेंट है ये बता रहा हूं। आपके पिताजी तो टैक्स दिए हैं जी, तब ना गवर्नमेंट के पास पैसा है, रिकैपिटलाइज करेगा अभी बैंकों को। हम ना टैक्स दिए हैं? यस और नो? सर कभी ऐसा फील नहीं है, किसका डूबता उधर डूबता हम लोग कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं। 15 लाख करोड़ रुपया डूब रहा है इंडिया का, फिगर और ज्यादा है, हम 15 लाख करोड़ अंडर असेसमेंट बोल रहे हैं, 15 लाख करोड़ हम लोग का पैसा है वो। लिखिए, दुखी कर दिए बोले, चलो पता ही नहीं था हम लोग के पास इतना पैसा भी है सर कि कोई हम लोग का इतना पैसा डुबा सकता है। तेरा अकेला का नहीं है, 125 करोड़ जनता का पैसा है वो। हम तो किसी को दिए ही नहीं थे कभी भी सर, कोई डुबाया कैसे मेरा पैसा इसी को बोलते इनडायरेक्ट ओनरशिप। क्या सम कौन सा फट रहे थे? अच्छा जल्दी बनाओ, कहां चले गए हम भी। कम वो लिखो, द लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 6th ईयर इक्वल टू, आप लोग जो 12% करके 2.54 बोले ना, हम डायरेक्टली ऐसे करके 12.54 निकाल ले रहे हैं, देख लो। तो और वन टाइम पेमेंट कितना हो रहा है?
नेक्स्ट सम, जल्दी जल्दी दो तीन टॉर करते हैं, फिर आकर के और पढ़ाई और प्रैक्टिकल बड़ा बड़ा सम बनाएंगे। राइट्स का मतलब आप नहीं जानते होंगे ऑप्शंस के केसेस में। राइट्स का मतलब होता है जो ऑप्शन सेल करता है। वन हु इज राइटिंग द ऑप्शन मींस ही इज सेलिंग द ऑप्शन। जैसे कल के एग्जांपल में रिलायंस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑप्शन खरीद रहे थे कि बेच रहे थे? खरीद रहे थे। तो हम लोग अगर खरीद रहे हैं तो कोई तो बेच रहा होगा। देयर मस्ट बी समबडी हु इज दी सेलर। कोई भी, प्लीज, कोई भी एफ एंड ओ मार्केट में ट्रेड होता है, इफ यू आर बाइंग ना, समबडी इज पक्का सेलिंग इट। ठीक है, तो यहां पे हु इज सेलिंग? राइट जो करता है वो सेल करता है। राइट माने सेल होता है। आई राइट एन ऑप्शन मीन्स आई एम सेलिंग एन ऑप्शन। बोले हु इज सेलिंग? सी एंड बी। ओके, एंड हु इज बाइंग? सी। अच्छा, एक बार सी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखो। हाँ, सी लिमिटेड इज बाइंग एन ऑप्शन, तो आपको ना समझ में आएगा कि हम वही चीज पढ़े थे रिलायंस के केस में। प्रीमियम प्रामियम नहीं दिया सम में। हाँ, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो क्या चीज खरीदने वाला है? ये ऑप्शन तो खरीद लिया है। टारगेट लिमिटेड का, टारगेट यहां रिलायंस है, टारगेट लिमिटेड का शेयर वो खरीदेगा, क्योंकि शायद वो बेचेगा ना, क्या नाम, बी विल सेल द शेयर्स ना, तो सी विल बाय द शेयर। टारगेट लिमिटेड का शेयर ही विल बाय। ठीक है, कितना रुपया में खरीदेगा? 100 रुपया में खरीदेगा। ये 100 रुपया फिक्स है ना? जल्दी बोलिए। टाइगर लिमिटेड का शेयर है, हाँ, डरना मत। कितना दिन के बाद? 90 दिन के बाद। प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया ना, कितना रुपया में ट्रेड हो रहा है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, नॉट गिवन द प्रीमियम अमाउंट। जस्ट लिसन ना, कल का वाला एग्जांपल देखिए। रिलायंस की जगह आ गया टाइगर, 950 की जगह आ गया 100 रुपया, सॉरी दिख नहीं रहता इसलिए, 28 दिसंबर की जगह आ गया 90 डेज। प्रीमियम अगला जानबूझ के मिसिंग दिया है, उसको दिमाग नहीं लगाना था। बोला इंस्ट्रूमेंट को इवैल्यूएट करो, करो इवैल्यूएट। व्हेन सी लिमिटेड विल एंजॉय, बोलो कब सी लिमिटेड खुश होगा? अगर शेयर का प्राइस इस 90 दिन के अंदर अंदर ऊपर चल करके 250, 300, 250 हो गया, सी लिमिटेड विल फील हैप्पी। क्या होगा, इस ऑप्शन का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम दिया नहीं, पर मान लो ऑप्शन प्रीमियम इज 16 रुपया से दिया रहता सम में एट ए प्रीमियम ऑफ 16, क्या होता? अगर 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 शेयर का दाम बढ़ जाता तो ऑप्शन प्रीमियम का दाम भी बढ़ जाता, तो क्या इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो सारा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक डेरिवेटिव के अंदर में होता है? जल्दी बोलिए, है ना? तो आप इसको बोलेंगे दिस इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। लिखिए, बी लिमिटेड हैज सोल्ड एन ऑप्शन, राइटिंग को सोल्ड बोलते हैं,
and C Limited has bought that option. Full stop. C Limited will be able to buy the shares of Tiger Limited at the end of 90 days at a price of bolo प्राइस फिक्स एक्सरसाइज प्राइस फिक्स रहता है. आप दो महीना तीन माने 15 दिन के बाद भी देखिएगा ना, वो 960 ही लिखा हुआ रहेगा वहां पे. हेलो, वो 960 ही लिखा हुआ रहेगा, वो नहीं बदलेगा. रिलायंस का शेयर का दाम ऊपर नीचे होता रहेगा पर वो 960 ही रहेगा, मालूम है. तो वो एक्सरसाइज प्राइस है, जो फिक्स प्राइस होता है दैट इज एक्सरसाइज प्राइस. मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता है, ठीक है. क्या लिखा, एट ए प्राइस ऑफ, हाँ, फुल स्टॉप. सो इफ द मार्केट प्राइस आफ्टर 90 डेज, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी चीज को. सो इफ द मार्केट प्राइस आफ्टर 90 डेज गोज अप टू से 190, बोलिए क्या होगा. मान लीजिए ना, यू आर द बायर ऑफ द कॉल, आई एम द सेलर. हम बी लिमिटेड, तुम सी लिमिटेड हो, बताओ क्या होगा. हाँ, लिखो, सी लिमिटेड विल एक्सरसाइज इट. फुल स्टॉप. इट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट as it is call option. तीन कैरेक्टरिस्टिक बताओ, बोलिए. इसका वैल्यू बढ़ेगा और गिरेगा क्या? अरे डरता क्या है? इस ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा और गिरेगा क्या? क्या चीज के बेस पे? अंडरलाइन का नाम बताओ, कौन सी कंपनी का शेयर? तो बोलो पूरा, क्यों नहीं बोलते हो? नहीं समझ रहे आप लोग, करेक्ट समझ रहे हो बट फिर भी पूरा बोलो. लिखो, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इट हैज ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेरिवेटिव full stop. Although the premium amount is not given in the question, it must be very low मत देख, बराबर बराबर खुलेगा. इट मस्ट बी वेरी लो, फुल स्टॉप. अच्छा, अब ना ये बताए, अपने ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होने वाला चीज नहीं है प्लीज. हाँ, सी और बी ट्रेड कर रहे टाइगर में, जैसे हम और तुम ट्रेड कर रहे रिलायंस में. तुम ये समझो ना, वो वाला कॉल कल तुम खरीदा था और हम बेचे थे. ऐसा करते हैं, वाला कॉल तुम लोग खरीदा हम बेचे. हाँ, 10 दिन तक अपन हिसाब करेंगे, जब तक ऑप्शन पढ़ाई चलता रहेगा ना, उसको समझने के लिए यूज करते रहेंगे. तो तुम हमको कितना रुपया दिया उस दिन? बुधवार को दिया ना 26 रुपया. आज उसका दाम कितना है? 15 रुपया. तो अगर तुम चाहो ना बेटा, तेरे पास अभी क्या है, वो कॉल है ना, तुम खरीदा है ना, तुम उस कॉल को आज बेच सकते हो. मार्केट में वो सेलेबल है, यू कैन सेल इट टूडे, बट प्लीज यू विल गेट ओनली 15. अच्छा, आई मे नॉट बाई इट, देयर विल बी समबडी एल्स, टॉम डिक एंड हैरी, राम जादू मधु, वो कर देगा.
हम क्यों खरीदेंगे, हम तो बेचे, हमको तो मालूम है रिलायंस 800 रुपया होगा, ऐसे ही बोल रहे। आई मे नॉट बाय बट यू कैन सेल इट इन द मार्केट, देयर विल बी अनदर बायर। सोचो ना, तुम अगर बेच दिए तो क्या होगा भाई, तुम लोग वो हो हाँ रिलायंस का कॉल ऑप्शन के बायर, हम सेलर, बोलो क्या होगा। अब कौन बायर कौन सेलर हो गया, अब कौन कौन जिंदा रह गया, हाँ मैं और वो, थैंक यू, वो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप और वो जिंदा रह गए। अब आप लोगों को सेटल करना है एक दूसरे के साथ, तुम बाहर हो गया, तुम लॉस दे के बाहर हुआ मालूम है कि नहीं। तो कॉल ऑप्शन इस तरह से ट्रेड होता है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी डेंजरस। सिंप्लिसिटी पे मत जाओ इसकी, ठीक है। चलो लिखो, क्या लिखा बोलो। हाँ, अपन ये बोल रहे थे कि ये डेरिवेटिव है तो कैसे अकाउंटिंग होगा, वो एक लाइन और बोलो ना। हाँ, FVTPL तेरे लिए क्या है, रुको रुको रुको, पूरा बोलो। हाँ, असेट है तेरे लिए, थैंक यू, मेरे लिए लायबिलिटी है, बताओ क्यों। FVTPL तो किसी के लिए असेट, किसी के लिए लायबिलिटी होगा, तेरे लिए असेट क्यों है। तुम टू कैश लिखेगा, ए बाबा, जब तुम टू कैश लिखेगा, 26 रुपया तुमको दिया था ना, तो तुम टू कैश लिखेगा तो एक तो असेट ही ना डेबिट होगा तेरा बुक्स में, और हम लिया है तो मेरा बुक्स में लायबिलिटी क्रेडिट होगा ना, बिकॉज माई एंट्री विल बी। अगर ना कभी भी असेट और लायबिलिटी नहीं समझ में आया, समझ ये समझ में आ गया कि फिनेंशियल असेट या लायबिलिटी तो है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि सला असेट है कि लायबिलिटी है, तो कैश का टू और बाई तो होगा ही, वो करके बाकी तुम खुद समझ जाना, ठीक है। अच्छा, बाद में आज 15 रुपया हुआ तो तुमको क्या हुआ, तुमको लॉस हुआ। अगर मान लो आज ही तेरा ईयर एंड है, तुम नहीं भी बेचता है, से टुडे इज योर ईयर एंड एंड यू आर नॉट सेलिंग इट इन द मार्केट, यू आर होल्डिंग इट, यू आर होल्डिंग एन असेट, मोबाइल छोड़ो, यू आर होल्डिंग एन असेट, तुम क्या करेगा, उसको वैल्यू करेगा ना, कितना में वैल्यू करेगा, फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू 15 रुपया है, मैं दिखाऊं, ले तेरा बुक्स, ऑप्शन प्रीमियम टू कैश 26 बाई बैलेंस सीडी 15 बाई P&L 11। इट्स सो सिंपल अकाउंटिंग, FVTPL इज इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल। लिखो, इट इज टू बी ट्रीटेड एज FVTPL आइटम। क्यों, 15 रुपए दाम तो है, खींच ले, लैप्स हो जाएगा, 15 रुपए में आज बेच लो, काची का लैप्स है, क्यों लैप्स होगा, अभी कौन सा हम जाकर के लैप्स कराने जा रहे हैं, लैप्स तो लास्ट डे में होता है, बीच में थोड़ी लैप्स हो जाता है, दो दिन तो हुआ है, नहीं मैंने बोला आज ही अगर तेरा ईयर एंड है तो। ऑप्शन तो 28 दिसंबर को जाके एक्सरसाइज होगा ना यार, अगर तेरा ईयर एंड 1 दिसंबर को है तो 1 दिसंबर तक को तो FVTPL लिखना पड़ेगा ना, खत्म करो जल्दी, क्या लिखा, इट इज, नहीं नहीं लास्ट में FVTPL आइटम, नीचे लिखो तो फॉर सी लिमिटेड, वर्ड बोलो, फॉर सी लिमिटेड इट इज ए, हां फिनेंशियल असेट, और आगे बोलो, फॉर बी लिमिटेड जिसने प्रीमियम लिया है, इट इज ए फिनेंशियल लायबिलिटी, प्रीमियम वाला अमाउंट से असेट लायबिलिटी होगा, जो सम में दिया हुआ नहीं है, आगे के सम में धीरे धीरे ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1-2 घंटा हो गया है, पता भी नहीं चला आज, ये मजेदारी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। बराबर, तेज है।
सेंसेक्स मैंने 40 पॉइंट निफ्टी क्या कॉपी में लास्ट क्या लिखा हुआ है? सम नंबर 5 हुआ था ना, ठीक है। हाइब्रिड कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बता दी था ना, उसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इम्बेडेड डेरिवेटिव भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा था, बता दिए थे ना। एक लाइन और लिख लो। अच्छा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप पहली बार लिखते हो तो कौन से दाम में लिखते हो? कॉस्ट मत बोलना प्लीज। हाँ, कॉस्ट मत बोलना, दैट बिकम्स योर कॉस्ट, फेयर वैल्यू। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो फाइनेंशियल असेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, चाहे वो इक्विटी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप पहली बार बुक्स में लिखते हो, यू रिकॉर्ड इट एट इट्स, बोलो, फेयर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा। देखिए, अगर ना आप कोई इक्विटी इश्यू करते हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, माइंड माय वर्ड्स, उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है तो वो पीएनएल को हिट नहीं करता है, इक्विटी को ही हिट करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने इक्विटी शेयर इश्यू किया, ठीक है, 200 करोड़ रुपया का, ठीक है, 1 करोड़ इक्विटी शेयर, 10+190, ठीक है, और आपका इश्यू एक्सपेंस लगा से 5 करोड़ रुपया, तो आपके घर में आया मान लो 195 करोड़ रुपीस आया ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 195, इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5 करोड़, टू इक्विटी कैपिटल 10 करोड़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 190 करोड़, देखिए तो बेटा इस एंट्री को, 1 करोड़ शेयर इशू किए तुम 200 रुपया करके, 10+190, 5 करोड़ आपका इशू एक्सपेंस लगा। नाउ यू डोंट हैव एनी डाउट ऑन दिस सब्जेक्ट एंड ऑन दिस सब्जेक्ट, व्हाट अबाउट दिस सब्जेक्ट? पीएल में नहीं जाएगा, इक्विटी में ही रहेगा। सर, इक्विटी में रहेगा मतलब रिटेन्ड अर्निंग को कम कर दीजिए, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना उसको कम कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट नहीं करेगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इश्यू करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल हिट इक्विटी ओनली, इट विल नॉट गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज आप याद रखिएगा। सर, पहले तो पढ़ते थे ना, इशू एक्सपेंस डेबिट करा के 1/5 अमोटाइज, बोलिए तो सर पीएल में भेजते थे ना, स्टॉप डूइंग ऑल दोज स्टफ नाउ, जल्दी। फिर से सुनिएगा, अगर आप इक्विटी इशू किए और 5 करोड़ का वो लगा, क्या नाम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपने इक्विटी से लेस कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग से, रिजर्व सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग वहां से लेस कर दिया, तो इक्विटी में चलट गया, पीएल में नहीं गया। लेकिन अगर आप बोरोइंग इशू किए, हड़बड़ाना मत, कल पढ़ाए थे, क्या इशू किए, बोरोइंग 200 करोड़ का, और आपको 5 करोड़ रुपया का वो लगा खर्चा, कैसे डिस्कशन होता है बताइए? एफवीटीपीएल नहीं है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, डिबेंचर है, बोरोइंग है, ट्रेड करने के लिए नहीं रखा है, लंबा पीरियड के लिए रखा है, गुड, पहले तो हमको अच्छा लगा आपने उस चीज को प्रोड्यूस किया, रॉन्ग किया, आप उसको राइट कर लो, ऐड कर देंगे,
मैं आपको बोलूंगा लेस कर दीजिए। अरे एक ही बात है, आपका आदत ऐड माने दुनिया में साला ऐड ही होता है सब कुछ, इसीलिए मैंने बोला था ऐड और लेस। क्यों लेस बोला बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट है बाबू, टू बोरोइंग है। सॉरी, बोलो, दांत में कुछ फंस गया था, बोलिए जल्दी जवाब दो। 200 करोड़ रुपए में 5 करोड़ खर्च, 200 करोड़ रुपए लिए रे पब्लिक से बोरोइंग इशू करके, 5 करोड़ का खर्चा लग गया, घर में 195 करोड़ रुपया आया, जवाब दीजिए जल्दी। बैंक टू बोरोइंग 195 करोड़। अकॉर्डिंगली फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड याद है? ट्रायल एंड एरर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, सब बनता है ना। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में तो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है ना, यू रिमेंबर दैट स्टोरी? आपको जब पढ़ने में भी तो आया होगा, अभी जब नोट्स पढ़ रहे होंगे तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट माने ही लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 19 लिखो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे लिखो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स doesn't go to P&L, full stop, it is adjusted with equity, bracket में लिख लेना retained earnings, कुछ लोग तो सिक्योरिटी प्रीमियम को ही काट लेते हैं मालूम, जैसे मैंने 5 को इश्यू एक्सपेंस बोला ना यहां पे, ये ऐसे डेबिट किया ना, कुछ लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से इश्यू एक्सपेंस को एडजस्ट कर देते हैं और बोलते हैं हम लोगों को प्रीमियम ही 85 करोड़ मिला। कर सकते हैं आप वो चीज, कोई प्रीमियम पर यूनिट का फिक्स होना जरूरी नहीं है, शेयर कैपिटल पर यूनिट का फिक्स होना जरूरी है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो बाद में किसी बहुत सारा चीज के लिए यूज करते रहते हैं ना, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कम कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन इक्विटी। मैं तो बोलूंगा बेटर आपके लिए वही रहेगा कि प्रीमियम को एडजस्ट कर दो, आप सेफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, लाइन वाइज आज का लास्ट, फिर हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग। लिखो पॉइंट नंबर 20, लोन गिवन टू एम्प्लॉईज ऑब्लिक डायरेक्टर्स एट ए चीपर रेट ऑब्लिक इंटरेस्ट फ्री, देखिए डेटा कितना इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोगों ने उसको क्या नाम, हमारी इंप्लॉई को 20 लाख रुपया का लोन दिया, आपको सॉल्व नहीं करना है, खाली फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना है। हम लोगों ने किसी को 20 लाख का लोन दिया, हमारा इंप्लॉई है मिस्टर ए, हम लोग उसको बोले 5% इंटरेस्ट दे देना, जस्ट 5, ऐसे ही नाम का, इंटरेस्ट फ्री भी बोल सकते थे, मैं एक बार 5 रख रहा हूं, 1 लाख रुपया करके दे देना 3 साल तक,
20 लाख का लोन है तो 1 लाख देगा ना 3 साल तक 5%, और फिर 20 लाख लौटा देना। नॉर्मली ऐसा लोन अगर हम लोग मार्केट में देते हैं तो 12% इंटरेस्ट हम लोगों को मिलता है। हमारा फ्यूचर इनफ्लो बताओ, उसके बाद पीवी निकालने के लिए मार्केट इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे, ये मैं बताता हूं। हमारा फ्यूचर इनफ्लो बताओ, हमको फेयर वैल्यू ऑफ द असेट निकालना है, इस असेट से हमको कितना इनफ्लो होगा देख के बताओ। हां, उसको ब्रेकअप करो, 1 लाख फॉर 3 ईयर्स एंड 20 लाख एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तो ये मेरा इनफ्लो है, फ्यूचर इनफ्लो है। इसका पीवी निकाल लोगे ना तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट आ जाएगा, क्योंकि पहली बार तो असेट को फेयर वैल्यू पे लिखना पड़ेगा ना, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ द असेट निकालना है। तो आपका फेयर वैल्यू ऑफ द असेट निकलेगा 1 लाख इंटू और 20 लाख इंटू, 1 लाख 3 साल तक मिलेगा, 12% करके डिस्काउंटिंग करोगे ठीक है, तो 1.12 डिवाइडेड 0.712 2.402, तो ये हो गया 2.402 प्लस 14.24, तो ये हो गया 16.64। करते हैं एक बार, आप बताइए क्या कहानी है, बताइए स्टोरी क्या है। हाँ, ये 16.64 करोड़ क्या हुआ, या लाख क्या हुआ, लोन का फेयर वैल्यू है, आपको लोन इतने में ही लिखना पड़ेगा। तो सर हम लोग तो 20 लाख रुपया लोन दिए हैं, तो बाकी जो 3,36,000 हो गया वो क्या है, दैट इज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, वो आपका लॉस है, आपका एक्सपेंस है, दैट इज योर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। मतलब द जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस, लोन अकाउंट डेबिट 16.64, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3.36 टू कैश 20 लाख रुपया। अब ये पैसा पीएल में जाएगा, इसमें कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर में पीएल में भेज दो, कुछ लोग बोलते हैं डेफर कर दो 3 साल, 3 साल का लोन लाइफ है, तो 3 साल में प्रीपेड एक्सपेंस जैसे नहीं होता है क्या, एक्सपेंस ही है पर प्रीपेड है, तो 3 साल में 1/3 1/3 1/3 करके भेज देंगे, और कुछ लोग बोलते हैं 1 ईयर में पीएल में भेज दो। तो इंस्टीट्यूट का जो नया वाला इंडेस का जो सिस्टम का जो उन्होंने बुकलेट वगैरह इशू किया है, उसमें प्रीपेड एक्सपेंस में डाल करके 3 साल में पीएल में भेज रहे हैं, जबकि इसके पहले जब उन लोगों का बुकलेट आया था वही 109 पे, तो वो लोग फर्स्ट ईयर में पीएल में भेज रहे थे, कोई इंडेस 109 में चेंज नहीं हुआ है, इंस्टीट्यूट के स्टैंड पॉइंट में चेंज हुआ है। कॉर्पोरेट लोगों ने डिस्प्यूट किया होगा, नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, दिखाइए कहां पे लिखा है फर्स्ट ईयर पीएल में भेजना है, एसोसिएट कर रहे हैं बोलो कि हम तो स्टाफ को लोन दिए अगला 3 साल में बेनिफिट लेंगे, अरे स्टाफ तो अगला 3 साल के लिए बंद गया ना मेरे यहां काम करेगा, तो लोग बोलते हम इसको लॉस मान रहे हैं, ये मेरा असेट नहीं है पर यह प्रीपेड एक्सपेंस है, हम इसको 3 साल में पीएल में भेजेंगे। तो आप भी If you are appearing in the new syllabus में अपीयर कर रहे होंगे आप, तो आप इसको प्रीपेड एक्सपेंस मान के 3 साल में पीएल में भेज दीजिएगा, और आपका असेट लेकिन 16. जल्दी बोलिए 64 रहेगा। अब आपको बताइए असेट कैसा है, कैसा है मतलब क्लासिफिकेशन, एसी एफवीटीपीएल या एफवीटीओसीआई, यू हैड गिवन ए लोन टू इंप्लॉई 16:64, आराम से बोले डरना ही नहीं, एसी है ना, कैसे बताओ, अरे सर वो बिजनेस मॉडल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही तो है, 3 साल के पहले ऐसे भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, 3 साल में ही मिलेगा आपको पैसा, और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक भी फिक्स है ना, 1 लाख रुपया करके मिलेगा, यस और नो, तो इसको तो आप लोग भेज दीजिएगा प्री, हाथ देखो प्लीज, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस को आप कहां भेजेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस में, और 1/3 1/3 1/3 करके 3 साल में अमोर्टाइज कर दीजिएगा पीएल में,
और ये क्या हुआ, ये जो लोन डेबिट हो रहा है इसके लिए आप क्या बनाएंगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के लिए आप क्या बनाते हो, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। सुनिए, जब आप लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तो ये ईयर हो गया, ये ओपनिंग लोन हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये पेमेंट हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ईयर वन ओपनिंग इज 16.64, इंटरेस्ट 12% के हिसाब से हिसाब कीजिएगा, क्योंकि आपको जो 1,00,000 मिल रहा है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो इनफ्लो है, बताए थे ना आप लोगों को। तो 16.64 पे 12% मारिए, 16.64 इंटू 12% 2, आपको पैसा मिला 1, तो 16.64 प्लस 2 माइनस 1 17.64, ईयर 2 17.64 मारिए 12% 2.12, आपको पैसा मिला 1, इट इज 18.76 है ना, 3 18.76 इंटू 12% 2.24 कर देते हैं 2.24, और आपको पैसा मिला 1 और 20। अरे वही जो नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल जो होता है, हाँ, टोटल 21 मिला, लोन 0 हो गया। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अकाउंटिंग, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, खाली स्टैंड पॉइंट क्या चेंज हुआ, भी जबरदस्ती दादागिरी है इंस्टीट्यूट का, क्या चेंज हुआ बोलो तो। पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो ये जो एक इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है, ये वन टाइम पीएल में जाता था तुरंत, और अभी इन्होंने स्टैंड पॉइंट चेंज कर लिया थोड़ा सा, और क्या कर रहे हैं ये लोग अभी इसको, हाँ, डेफर कर दे रहे हैं, और डेफर करके प्रीपेड एक्सपेंस के जैसा हो गया, और वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करके अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, ये ओके। पेज नंबर 39, क्या लिखियो कॉपी में, हाँ लिखो, वी विल डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन वी विल डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन बाई डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। सर एक बात पूछे, इधर देखिए, तो एक मिनट, अगर 0% इंटरेस्ट रेट होता तो 0% इंटरेस्ट रेट, खाली 20,00,000 चुकाना है 3 साल बाद। इधर देखिए, बताइए, आप बोल देंगे तुरंत, देखिए ना, इसी को देख के बोलिए, निकाल लिए तो निकाला हुआ बोलो ना, हाँ तो बोलो, 14.24 होता लोन का वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट 14.24, और बाकी इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस हो जाता। इज इट ओके? नेक्स्ट, द डिफरेंस अमाउंट विल बी इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस which will be treated as prepaid expense and amortized over the life of the loan. And amortized over the life of the loan. Done. Page number 39, क्वेश्चन नंबर 37 देखो,
फिंगर्स पे काम करना है, वन मिनट में कैलकुलेटर और फिंगर्स पे काम करना है, इलस्ट्रेशन है ऐसा। आज बहुत सारा इलस्ट्रेशन हम तुमको करने देंगे, तुम घर में बैठ के रीड करके आओगे, कम से कम 15 से 20 ठो देंगे। 39 नंबर पेज, 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते वक्त प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, हम लोग को अपना दिमाग खोलना एकदम अच्छे से। हो गया। अब ये बताइए क्या इसमें डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट भी कर सकता है इक्विटी में? जल्दी बोलो, क्या कंपनी अपना ओन इक्विटी शेयर देगा? जल्दी बोलिए। और फिक्स नंबर में देगा ना? रे वो फिक्स है ना, नंबर फिक्स है ना। नाउ आई एम जस्ट आस्किंग यू वन थिंग कि हाइब्रिड मतलब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या हम आपको रूल बताए थे इसका? हाँ, रूल पहले शुरुआत से करते फिर आपकी बात लिखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाम बोलो। लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट। इक्विटी कंपोनेंट माने वो जो ऑप्शन वाला कहानी, और लायबिलिटी माने जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। आप मुझे बताओ अपना कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लो क्या होगा, अमाउंट में बोलना। यहां पे मुझे बोलना अमाउंट बोलना प्लीज, मुझे ना रेट मत बोलना, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो बोलना। आप ठीक बोलेंगे, बोलिए ना आराम से। अमाउंट ऑफ आउटफ्लो एवरी ईयर 12 लाख। रॉन्ग बोल रहे ना वो, 12% तो नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो डिस्काउंटिंग के काम आता है, फेयर वैल्यू निकालने के। हम डिबेंचर होल्डर को जो एक्चुअल आउटफ्लो करेंगे 8 लाख करके कितना साल करेंगे? साल बताइए। 8 साल करके, सॉरी 8 लाख करके 4 साल। ओके, और लास्ट में कितना पैसा वापस देंगे? पार पे ही वापस करना है क्या? देख लो, डरना नहीं है। कहां लिखा है प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा? लिखा है ना, तो 112 लाख लिख दूं। अब ये जो लायबिलिटी कंपोनेंट है, आपको इसका फेयर वैल्यू निकालना है। इसके लिए आपको जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग लेना है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। मतलब आप जो 8% दे रहे हैं उन लोगों को, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करिए, ऐसे डिबेंचर का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द आंसर इज 12%। तो आप इसको 12% करके डिस्काउंटिंग कीजिए, ये आपका आउटफ्लो है। आप इसको 12% करके डिस्काउंटिंग कीजिए, 12% का डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है। जोड़ करके बताइए ये कितना से मल्टीप्लाई होगा, या कितना से? फटाफट, एकदम फटाफट। नहीं, अभी तो मान लो वो एम्प्लॉय नहीं लिया पैसा इक्विटी शेयर, तो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल थोड़ी है। या पैसा ले लो या बीच में आप कभी भी इक्विटी ले लो। अमाउंट मत बोल, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल, 4 साल का एनविटी फैक्टर 3.03। गुड। और इसका 1 ईयर का बोल, फोर्थ ईयर एंड वाला। वेरी गुड। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर पे करना हम लोगों का काम, घर में करना पड़ेगा। 8 × 3.038 ये आया 24.304, और ये आया 112 × 0.636 71.232। टोटल आया
95.536। अब बताइए टोटल पैसा हम लोगों को कितना मिला था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, टोटल पैसा हाउ मच डिड वी रिसीव एट द बिगिनिंग? 1 करोड़, 100 लाख बोल दू। इधर देखो 100 लाख हमको टोटल मिला था, उसमें लाइबिलिटी कंपोनेंट है 95.5 का, तो रेस्ट 4.464 का इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करने का तरीका है। अगर आपसे जनरल एंट्री मांगा तो बोल, बैंक अकाउंट डेबिट 100 लाख, राउंड ऑफ में बोल दो, इसको 95 बोल दो, इसको 4 बोल दो, 96 और 4 बोल दो, टू लायबिलिटी 96, टू इक्विटी 4। और रुको, खत्म करते हैं बात को, इसका फर्दर अकाउंटिंग कैसे होगा, सॉरी इसका फर्दर अकाउंटिंग कैसे होगा, फर्दर वही बोलना, एसी या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एफवीटीपीएल, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो टेबल बन जाएगा 96 के हिसाब से, ओपनिंग लेकर के 12% लेना है। हाँ, आप जो दे रहे हो वो आउटफ्लो इनफ्लो है, 8% कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, योर कूपन इज नॉट योर रेट, योर कूपन इज जस्ट योर आउटफ्लो, इज इट ओके? अच्छा, एक बार ना एग्जाम में एक सम आया था, मैंने होमवर्क में भी दिया है, उसमें क्या था सुनो, उसमें क्या था सुनो सुनो सब कोई, इसका अमाउंट दिया हुआ था, ये अमाउंट जो हम लोग लास्ट में निकालते हैं, देख रहे हो, ये अमाउंट दिया हुआ है, इसको x लेना था, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, अरे ये दे दे, ये दे दे, तब तो ये फट से निकल जाएगा, इधर हाथ देखो, इफ दे गिव दिस एंड दिस, तब तो ये निकल जाएगा, नहीं क्या, ये x दिया हुआ था, ये आपको करना पड़ा 0.08x, अरे ये आपको करना पड़ा 1.12x, कर सकते हैं ना, इसका पीवी निकल गया 3.038x, इसका पीवी निकल गया वो व्हाटएवर, वो जो तुम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं 0.6 व्हाटएवर एक्स, फिर ये जुड़ करके x में आ गया, अब बोलिए क्या होगा, हाँ दिस प्लस दिस इक्वल टू x, अकॉर्डिंगली x सॉल्वेबल है कि नहीं हमको बताइए, तो ऐसा मैंने ऐसा जादू तो नहीं बोलते, ऐसा घुमा करके भी वो लोग सम आपको दे सकता है, क्योंकि ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि ये और ये मिला करके इसके बराबर होता है, एलसी लायबिलिटी कंपोनेंट प्लस इक्विटी कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल मनी रिसीव्ड। क्या हुआ, डर गया क्या लास्ट वाला एक्स वाले से, ठीक है ना, डन। अच्छा एक काम करना है, कौन सा सम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं पढ़ने के लिए, देखो 38 लिखो तो कॉपी में, कॉपी में लिखो प्लीज 38, 37 जो अभी हुआ, 35, इसी ऑर्डर में जाइएगा, 33 में खाली एक छोटा सा चेंज कीजिएगा आप लोग खुद ही, मैं अभी काटूंगा नहीं, आप देख लो ना यहां पे, अभी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा स्टैंड पॉइंट चेंज किया है, ये जो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है ना 145 237 का, ये जैसे मैंने वन शॉट में पीएल में भेज दिया, हाँ ये प्रीपेड एक्सपेंस करा करके ओवर द लाइफ ऑफ द लोन आपको धीरे धीरे पीएल में भेजना है, तो इसको स्टाफ कॉस्ट बोल करके फिर पीएल टू स्टाफ कॉस्ट 1/4 या 1/3 कीजिएगा, और बाकी स्टाफ कॉस्ट को प्रीपेड, आप यहां प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट लिख दीजिएगा ना, बस आप ये समझ लीजिए, तो ये छोटा सा एक चेंज है बस, और कुछ नहीं। हाँ कौन सा सम बोले अभी,
ये सब एकदम प्रैक्टिकल समय, ये सब एग्जाम में 8 मार्क्स 10 मार्क्स का आएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पक्का 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। कौन सा सम बोले अभी 32 29, 28, 25, कुछ बस बस नहीं, बहुत देना है। अच्छा सॉरी, अच्छा 25 किए लास्ट डे, समझ में आया पूरा अच्छा से कैसे वो प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस किया गया, जो आप ऐड बोलते हैं हमेशा, आप भी ऐड बोलते हो, रॉन्ग नहीं है, आदत पड़ा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट माने ऐड, यहाँ लाइबिलिटी का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है बाबू, तुम भी ऐड किया था क्या? हाँ, तो बड़ा ध्यान देना है, इसीलिए ना मैं हमेशा क्या बोलता हूं, एंट्री मार लिया करो, एंट्री मार लोगे ना आपको खुद ही पकड़ में आ जाएगा। जैसे आप लोन लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जब फॉर्म पार्ट कराएंगे तो लोन तो गिरेगा ना अमाउंट में, ठीक है। 25 दे दिए थे बोले ना, ट्वेंटी, अच्छा 20 में भी वो प्रीपेड एक्सपेंस वाला झमेला रहेगा, ध्यान दे देना खाली, हाँ 20 में भी, हाँ 18 और शुरू में क्या रीड करने दिए थे, वो दिए थे ना, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सबसे पहले आप लोग ना 1 2 3 4 5 रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ये सब सम का कैलकुलेटर पे पेन पेपर पे मारेंगे, आपको कॉपी पे लिखना नहीं है, कॉपी पे हम जो होमवर्क देंगे लिखने वाला वो उसमें से बनाएंगे, इतना बना करके आपको नेक्स्ट क्लास में आना है। आपका सैटरडे को क्या चल रहा है, पूरा खत्म हो गया, और वो भी हो गया उसका इनकम टैक्स मेजरमेंट, उसका जो वेटेड एवरेज इफेक्टिव, वेटेड एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया था ना, तो आप लोगों को फिर 28 करवाना है ना, उसके लिए फिर आना पड़ेगा मेरे को, बोर हो जाएंगे नहीं तो, सब तो आता है। ठीक है, आप आइए कल, कल की क्लास में, कल हम ना एक दूसरा चैप्टर करवा देंगे जो ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में सेम है, ठीक है, वो है तुम्हारा, हाँ ह्यूमन रिसोर्स, और वो वाला क्या नाम, नहीं जीरो चेंज है, सब चीज सेम है, ह्यूमन रिसोर्स भी सेम है, सीएसआर भी सेम है, और वो भी सेम है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पहले करवा देते हैं, ठीक है। आपको उसका एक वो जेरोक्स कॉपी मिल जाएगा हैंडआउट का, बुक बाद में मिल जाएगा, और आज बहुत होमवर्क दिए हैं, ठीक है, ये सब बनाना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, संडे गया, हाँ।